सभी को जय जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं? हाँ जी, आप कर रहे हैं ना? मुझे करना है? नहीं आप कर दीजिए। क्लाउड से कर दो। हाँ जी, चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर वन, ईयर वन, उसमें पेपर वन में हम वितरक विज्ञान भाग एक यहाँ पे विगत दिनों से पढ़ रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमने इसमें देखे हैं। सबसे पहले आत्मा परमात्मा, फिर सात तत्व, षट आवश्यक और कर्म, ऐसे बहुत से मार्मिक चैप्टर है जो हमें इस भाग के साथ साथ आगे भी हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेस का काम करेंगे। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, हम कहीं भी प्रवचन सुनते हैं या हम स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो हमने यहाँ पे इसमें बेसिक पढ़ा है वो आगे काम आने ही वाला है। तो ऐसे चैप्टर्स को हम यहाँ पे देख रहे थे। लास्ट चैप्टर अपना कर्म वाला बहुत अच्छे से हमने समझा था, डिस्कशन भी हुआ था और पूरा मतलब कंप्लीट हमने कर्म वाला चैप्टर लास्ट क्लास में किया था। आज हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देवस्तुति, जो अपना पहला पार्ट है देवस्तुति वाला इस पुस्तक में, तो उस देवस्तुति के दो पैराग्राफ हम आज देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 13 से हमें देखना है। 13 नंबर का जो पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे, आप निकाल लीजिए बुक में जिनके पास है, पेज नंबर 4 है। 13 नंबर का जो छंद है उससे हम आज स्टार्ट करेंगे। मैं पढ़ता हूं फिर हम इसको अर्थ देखेंगे इसका। ताते अब ऐसी करो नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुव विरद एव। हे भगवान, जो भक्त हैं वे भगवान से क्या स्तुति कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं? ताते अब ऐसी करो नाथ, पिछले छंद से अगर हम इसे कनेक्ट करें, पिछले छंद में ये आया था कि अब बहुत अच्छे किस्मत से, बहुत भाग्य से, काल लब्धि से मुझे आपके दर्शन मिले हैं। अब मैं बहुत खुश हूं जिससे मैंने आत्मा का रस चखा है और मेरे सारे द्वंद फंद मिट गए हैं। ये बताया, इसके बाद क्या कहता है कंटिन्यू करते हुए, ताते अब ऐसी करूंगा, ताते मतलब इसलिए, ताते मतलब अतः, इसीलिए हे नाथ अब ऐसा करो, ऐसी करो नाथ मतलब अब ऐसा कीजिए, ऐसा करिए। क्या करें? तो बिछुड़े ना कभी तो वह चरण साथ, बिल्कुल सिंपल है। आप देखो अगर हम हिंदी में थोड़ा सा भी ध्यान लगा रहे हैं तो हमें अर्थ क्लियर हो रहा है। बिछुड़े न कभी तो वह चरण साथ, कि कभी भी आपके, तो मतलब आपके चरणों का साथ नहीं छूटे, कभी भी मैं आपके चरणों से दूर ना हूं, कभी भी मैं आपके चरण साथ से दूर ना हो जाऊं, छूटे ना। इसीलिए कह रहा है कि हे भगवान कुछ ऐसा कीजिए, मतलब जब हमें किसी के प्रति बहुत बहुमान आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या कहते हैं लोक में भी, कि बस ऐसा मन कर रहा है कि कहीं जाए नहीं, दूर ना चले जाए। तो ऐसे ही भक्त भगवान से ऐसी भावना भा रहा है
तुम गुण गण को नहीं छेव देव, कि आपके गुणों का गुण गण, मतलब गुण मतलब होता है उनके गुण, उनकी विशेषताएं, और गण मतलब होता है समूह, गण मतलब होता है ग्रुप, कि आपके गुणों का जो समूह है उसको नहीं छेव देव। छेव देव मतलब, छेव मतलब होता है अंत, छेव मतलब होता है अंत, और देव आपको कहा कि हे देव, आपके गुणों, गुण रूपी समुद्र, या फिर हम कहें गुणों के समूह, जो इतने सारे गुण हैं, उनका कहीं भी अंत नहीं है, मतलब आपके अनंत गुण हैं। फिर जग तारण को तुव विरद ए, जग तारण मतलब संसार और संसार के जीव, तो संसार से तारने वाले, संसार तारण को, जग से तारण को आप क्या हो, विरद एव, आप ही क्या हो, विरद, विरद मतलब होता है यश, विरद मतलब होता है कि आप का जो गुणगान कर ले, मतलब कैसा भाव भा रहे हैं कि जो आपका गुणगान करेगा वो इस जग से पार हो जाएगा, आपके गुणों का समूह इतना है कि उसका जो भी गुणगान करेगा या उसका जो यश गाएगा वो संसार से पार हो जाएगा, संसार से तिर जाएगा। जग तारण को तो वो विरद एव, आपका विरद मतलब आपके गुण ही एकमात्र कारण है संसार से पार उतरने के। समझ आया ये वाला? हाँ, देव स्तुति जो हम वितरक विज्ञान भागिक का पहला चैप्टर है, वो वाली देव स्तुति हम यहाँ देख रहे हैं, जिसके दो दो छंद हम देखते हैं। 13वें नंबर का छंद हमने देखा, समझ आ गया? हाँ, सभी से निवेदन आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्लास हम शुरू कर चुके हैं। चलिए 14 नंबर का छंद देखते हैं इसके बाद, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है 14 नंबर का, मैं पढ़ता हूँ। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। देखिए बहुत सिंपल है, आत्म के अहित विषय कषाय, विषय और कषाय, विषय मतलब जो ये पांच इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, मतलब ये सारी चीजें जो भी हम जगत के कार्य करते हैं ये विषय, और दूसरा है कषाय। कषाय हम जानते ही है, क्रोध मान माया लोभ आदि, ये राग द्वेष के परिणाम, ये क्या है, कषाय। तो आत्म के अहित, कि ये दोनों चीजें विषय और कषाय, ये क्या है, आत्मा का अहित करने वाले हैं, मतलब आत्मा के अहित में ये दोनों कारण हैं, कौन कौन, विषय और कषाय। ठीक, इनमें मेरी परिणति न जाए, इनमें मेरी परिणति न जाए, अर्थात हे भगवान, इन परिणति मतलब होता है, शब्द से तो परिणति का मतलब होता है मेरे परिणाम, तो यहाँ ये भावना भा रहे हैं, इसका भावार्थ ये है, ये भगवान मेरा जो झुकाव है या मेरा मेरे परिणाम है, विषयों से भी दूर रहे और कषायों से भी दूर रहे, ना विषयों में जाए ना कषायों में जाए, इनमें मेरी परिणति ना जाए। समझ आ रहे हैं नीलेश जी? देखिए आगे थर्ड लाइन, मैं रहूं आप में आप लीन, मैं अपने में स्वयं मैं रहूं, क्या करूं, अब आप में मतलब अपने में, और आप मतलब दूसरा जो आप है उसका मतलब है स्वयं, आप में और स्वयं, स्वयं अपने में ही मैं स्वयं लीन रहूं, सो करो हो जो निजाधीन, मैं ऐसे करूं मतलब ऐसा कार्य करूं या ऐसे अपने में लीन हूं कि जिससे मैं क्या हो जाऊं, ज्यों हो निजाधीन, निजाधीन मतलब निज मतलब स्वयं, और आधीन मतलब अपने पर ही डिपेंडेंट, या हम इसको कहें स्वतंत्र हो जाऊं। स्वयं पे डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, स्वतंत्र होना, तो मैं अपने में ऐसे लीन हूं कि अपने आप स्वयं पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं, मतलब ये जगत में जितने हम बंधे हुए हैं, जगत के बंधन में जो फंसे हुए हैं, ये पराधीनता है कहीं ना कहीं,
कोई ऑफिस की, कोई घर की, कोई बिजनेस की, पर ऐसा यहाँ पे भक्त कह रहा है कि मैं अपने में लीन होने पर इन सब पराधीनता से मुक्त होके पूर्ण स्वाधीन हो जाऊं। ठीक है, समझ आया? दो छंद ये जो हमने देखे आज, 13 और 14 नंबर का छंद। चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ये अपनी देवस्तुति लगभग तक होने को है। इसके बाद जो आज हमें चैप्टर देखना है वो है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन, आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में हमने कर्म वाला चैप्टर देखा था, ध्यान है सभी को? उसमें सब कुछ बातें हमें क्लियर हो गई थी लगभग, सब कुछ, बहुत सी नई बातें भी जानने के लिए मिली थी, बहुत सी चीजें हमने उसमें सीखी थी। आज रक्षाबंधन वाले चैप्टर से हम आज शुरू करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम अपने जीवन से भी इस घटना को या इसे एक पर्व के रूप में जानते हैं। सभी ने वो घटना सुनी ही है, पर बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं नहीं सुनी हो उस घटना के पीछे क्या शिक्षा है, क्यों वो रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ, इन सब बातों को हम आज देखते हैं। करें शुरू? आप सब अपने पास, अगर आपके पास बुक्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे पहले इस रक्षाबंधन की कथा आपको सुनाने वाला हूं कि कैसे हुआ था ये प्रारंभ। बहुत से लोग जानते भी होंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने सुनी हुई है? बहुत सब है जिन्होंने सुनी है, बाकी जिनकी वीडियो ऑफ है उन्होंने भी सुनी होगी। चलिए हम बाकी सब लोगों के लिए भी शुरू कर रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व लोक में बहुत प्रसिद्ध है, जैन अजैन सब में ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। हम देखते हैं कितना, मतलब जब अगस्त के महीने में उसके आसपास ही ये रक्षाबंधन पर्व आता है। तो ये रक्षाबंधन पर्व आखिर क्यों प्रारंभ हुआ? इस रक्षाबंधन पर्व में भाई बहन का क्या रोल है? इस रक्षाबंधन पर्व के दिन ऐसा क्या हुआ था जो इसका नाम रक्षाबंधन पर्व हुआ? ये बहुत सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें हमें इसमें देखनी हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी कथा पर, आखिर क्या घटना थी। चौथे काल की बात है। कौन से काल की घटना है ये? चौथे काल की। चौथे काल में भी अगर हम और देखें तो ये जो घटना हुई है ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान के समय की है। मुनि सुव्रत नाथ कौन से नंबर के थे? मुनि सुव्रत नाथ भगवान कोई बताएगा? 20। हाँ, 20 नंबर के, 28 नंबर के मुनि सुव्रत नाथ भगवान ये हुए। उनके शासन के काल में ये रक्षाबंधन की घटना, ये कथा हुई है और वास्तविक कथा है, बिल्कुल ऐसा हुआ है और भगवान की वाणी में आया है। तो आज ये हमारे पास अनेक पुराणों में भी मिलती है। आप इस घटना को उत्तर पुराण में देख सकते हैं। तो क्या थी ये घटना? आज से बहुत वर्ष पहले चौथे काल के समय, मुनि सुव्रत नाथ भगवान के समय क्या हुआ? एक राजा था जिसका नाम था श्री वर्मा। कहाँ का राजा था वो? उज्जैनी नगरी का राजा था। उज्जैनी नगरी का राजा था श्री वर्मा। उस राजा के यहाँ 4 मंत्री काम करते थे। घटना तो बहुत बड़ी भी हो सकती है पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा फिर, क्योंकि हमें इसकी कई सारी बातों पे डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो कहानी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और जगह जगह भी हम सुनते हैं, सुनी भी है। तो चौथे काल में एक समय था जिसमें राजा था उज्जैनी नगरी का राजा श्री वर्मा। उज्जैन का नाम आपने सुना होगा
तो उसी उज्जैनी नगरी का राजा श्री वर्मा था, उसके चार मंत्री थे। चार मंत्री, उनका नाम क्या था? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। थोड़े से नाम मुश्किल से है पर याद हो जाएंगे, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चार मंत्रियों के नाम थे। किसके मंत्री थे ये? राजा श्री वर्मा के। ठीक है, उसी समय एक आचार्य अकम्पन इस नाम से आचार्य हुए हैं, और उन आचार्य का, मुनिराजों का जो संघ था वो कितना था? 700 मुनिराजों का संघ था। सब आप सुनिए ध्यान से, मतलब आपको ये चीजें ऐसे ही याद हो जाएगी, बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 700 मुनिराजों का संघ था। उस संघ के आचार्य कौन थे? अकम्पन आचार्य, जिनको हम अकम्पनाचार्य पूरा कहते हैं। ऐसे आचार्य अकम्पन उस 700 मुनिराजों के संघ के नायक थे। हमने पांच परमेश्वरी वाले चैप्टर में पढ़ा ही था कि आचार्य का क्या काम होता है। जो संघ के लीडर होते हैं, जो संघ को नायक होते हैं, वो काम होता है आचार्य का। तो ऐसे ये आचार्य अकम्पन ये 700 मुनिराजों के संघ के लीडर थे। ठीक है, तो इन अकम्पनाचार्य आदि ये 700 मुनिराज विहार करते हुए ये उज्जैनी नगरी पहुंचे। उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा था। तो आप सोचो, जब एक नगर में 3, 4 या 10 भी मुनिराज आ जाते हैं तो कितनी वहां पे खुशहाली आ जाती है, चहल पहल होने लगती है, लोगों की भीड़ आने लगती है। तो उज्जैनी नगरी में तो 700 मुनिराज आए थे, तो कैसा माहौल होगा आप एक बार थोड़ा इमेजिन करिए। किसी एक नगर में 700 मुनिराज आ जाए, तो ऐसा ही हुआ। नगर में मुनिराजों का संग आते ही लोगों को बहुत खुशी हुई, उत्साह हुआ, लोगों की भीड़ उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। इसी में राजा श्री वर्मा भी, जो राजा श्री वर्मा था, उसको भी जैसे ही ये खबर मिली कि नगर में कौन 700 मुनिराजों का संग आया है, तो जैसे ही श्री वर्मा राजा को ये खबर मिली, वो अपने पूरे मंत्रियों के साथ, अपने लोगों के साथ मुनिराज के संग के दर्शन करने गया। दर्शन करने निकलता है, जैसे ही वो अपने साथ जाता है तो चार मंत्रियों को भी वह लेकर जाता है। वह श्री वर्मा राजा वो जैन धर्म का अनुयायी था, मतलब उसकी जैन धर्म में अटूट श्रद्धा थी। पर वो जो चार मंत्री थे, वो जैन धर्म या जैन धर्म के अनुयायियों से ईर्ष्या करते थे, उन्हें पसंद नहीं था, उनकी वो ईर्ष्या करते थे, उन्हें पसंद नहीं आता था। फिर भी राजा के साथ तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, तो राजा के साथ वो चार मंत्री गए। जैसे ही मुनिराज के अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के संघ के समक्ष वो पहुंचे, तो मुनिराज का पूरा संघ क्या कर रहा था उस समय? आत्मा में लीन था, आत्म ध्यान में लीन थे वो सारे मुनिराज। तो जैसे ही राजा आया, राजा ने उनको नमोस्तु किया, नमस्कार किया उस तरह, पर मुनिराज और पूरे आचार्य, जो आचार्य और सारे मुनिराज थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, वे आत्मा में लीन थे, उन्हें पता भी नहीं चला। तो ये देखकर मंत्रियों ने सोचा, मंत्रियों ने बोला कि कैसे मुनिराज है, पूरे नगर के इतने बड़े राजा आए हैं और नमोस्तु कर रहे हैं, कम से कम आशीर्वाद तो देना चाहिए, कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए, मुनिराज अपने आत्मा में ही लीन है। राजा ने बहुत देर वेट भी किया, मुनिराज फिर भी ध्यान से बाहर नहीं आए, और फिर मंत्रियों ने ये बात राजा को बोली, भड़काना चाहा कि कैसे मुनिराज हैं, कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो राजा जी आपका अपमान है, ये इनका, इनको इस बात का दंड मिलना चाहिए,
इत्यादि बातें बोलकर वो मंत्री राजा श्री वर्मा को भड़काने का चाहने लगे। पर राजा तो जैन धर्म का श्रद्धानी था, पर वो मंत्री उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे थे। वे मौन थे, वे मुनिराज आत्मा में लीन थे, मौन साधना कर रहे थे। तो वे बोलते हैं, वे मंत्री राजा को बोलते हैं कि ये अच्छा है कि अपनी मूर्खता छिपाने के लिए मौन बहुत अच्छा साधन है, कि भाई हम कुछ बोलेंगे नहीं और उन्हें पता नहीं चलेगा। तो ये मंत्री उन चारों, मतलब चारों मंत्री उन मुनिराजों को मौन के समान, मतलब मूर्खता छिपाने के लिए मौन रह रहे हैं, ऐसा बोलकर वहां से जाने लगे। तो आप बताइए, मतलब हम थोड़ा इस पे रुके, हम थोड़ा इस पे बात करें कि मुनिराज जो आत्मा में लीन थे उन्हें क्या करना चाहिए था ऐसे में, कि अगर राजा आया है, इतनी देर वेट कर रहा है, इतनी दूर से आया, इतना बड़ा राजा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे में मुनिराज को, बता सकता है कोई? मतलब हम थोड़ा इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि मुनिराज ने गलत किया, आपका क्या कहना है बताओ। मुनिराज के लिए तो सब सेम है, संभव रहता है उनका तो, उनके लिए कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, तो फिर वो तो अपनी आत्मा में ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ी ना उससे हटेंगे किसी के लिए नहीं, भी। अगर नहीं ठीक है, सेम है, तो मैं डिफरेंस करने के लिए नहीं कह रहा, पर मान लीजिए कोई एक सामान्य व्यक्ति भी जाता और उनको नमोस्तु करता, तो आशीर्वाद तो देना चाहिए, इतनी दूर से आए हैं या इतना वेट कर रहे हैं, कम से कम उनका क्या जा रहा है, तो उन्हें करना चाहिए था कि नहीं? वो ध्यान में नहीं होते तो देते हैं ना, हमेशा देते हैं अगर ध्यान में नहीं होते तो, लेकिन ध्यान से तो नहीं हटेंगे, उनको पता ही नहीं है, तो वो कैसे, अगर उसी में लगे रहेंगे तो फिर खुद का ध्यान कब करेंगे। बिल्कुल, मतलब मुनिराज का स्वरूप हमें इसके लिए जानना जरूरी है कि सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली विशेषता तो वे किस बात की रखते हैं कि उनका, मतलब वे अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। अगर आपको पांच परमेशियों वाली परिभाषाओं में ध्यान होगा थोड़ा भी, तो उसमें एक बात आचार्य उपाध्याय साधु में बार बार आ रही थी कि अधिक समय तो अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, कि अपने मुख्यतः, ये बात बार बार आ रही थी, मुख्यतः तो अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, पर जब उपयोग बाहर आए, जब आत्मा में लीन ना हो, तब वो अन्य कार्य करते हैं। ये बात वहां भी हमने देखी थी। और क्योंकि मुनिराजों का, अपने साधुओं का स्वरूप ही ये है, उनका मुख्य उद्देश्य तो क्या होता है, आत्मा में लीन होना, और ये सारे कार्य, आशीर्वाद देना, कुछ भी करना, ये सब प्रवचन करना, शास्त्र लिखना, ये बात है बाद की, ये सब है उनके लिए सेकेंडरी है, कि जब आत्मा में लीन ना हो पाए या आत्मा से बाहर आए, तब वो ये कार्य करते हैं। पर उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि अब कोई मुनिराज आत्मा में लीन है या कोई आचार्य लीन है, तो सामने कोई भी राजा आए, राजा तो छोड़िए, हजारों लोग भी आए, तो उनके लिए क्या कोई उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें, उनको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वे सबसे पहले तो अपना हित देखते हैं, सबसे पहले अपने आत्म कल्याण की ही वे दृष्टि रखते हैं, उसके बाद यदि उपयोग बाहर आया है, तो फिर सामने बैठे जीवों को यथा योग्य उपदेश, आशीर्वाद, ये सब कार्य वो करते हैं। समझ आया? मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि मुनिराज तो बहुत निर्दय हो गए हैं, कैसे हैं कि भाई इतने सारे लोग आए हैं, थोड़ा तो सोचना चाहिए। नहीं, मुनिराज का ये स्वरूप ही नहीं है, उनको जब उपयोग आत्मा में नहीं होता तब वो कार्य करे तो ठीक है, पर अपने आप को मुख्य मुख्य ना करके अन्य जीवों को वे ऐसा नहीं करते। तो मुनिराज इस तरह से आत्मा में लीन ही रहे। मंत्रियों ने राजा को भड़काना चाहा, पर राजा तो बिल्कुल विवेकी था, ज्ञानी था, तो उसने ऐसा कुछ भी उल्टा नहीं सोचा, और मुनिराज ऐसे ही लीन रहे। इस तरह से वो राजा अपने चार मंत्रियों के साथ वहां से चल दिया, वहां से मुनिराज के मात्र दर्शन करके वो चलने लगते हैं। जैसे ही चलते हैं तो रास्ते में वापस, जब वापस जा रहे थे,
तो उन चार मंत्रियों को उन्हीं अकंपनाचार्य के संघ के एक मुनिराज जिनका नाम था श्रुत सागर, जिनका नाम था श्रुत सागर, वो मुनिराज उन्हें रास्ते में मिलते हैं। पूरा संघ तो यहीं पे था, कभी कभी होता है ना, कोई मुनिराज आहार के लिए थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा कभी कोई मुनिराज कहीं और से आ रहे हैं, तो एक ऐसे ही श्रुत सागर मुनिराज आ रहे थे नगर से जंगल की ओर। तो वो श्रुत सागर मुनिराज चार मंत्रियों को मिले। फिर अब इस समय चार मंत्रियों ने सोचा कि अब ये अच्छा मौका है कि वहां तो 700 का संघ था और राजा भी साथ में थे, तो हम कुछ बोल नहीं पाए और मुनिराज भी मौन थे, तो हमसे ज्यादा बात नहीं हुई। तो इन्होंने सोचा कि अब ये अकेले हैं, श्रुत सागर मुनिराज हैं, हम इनसे वाद विवाद करते हैं। तो वो चार मंत्री मुनिराज को देख के, श्रुत सागर मुनिराज को, कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। उन्होंने ऐसा बोला कि देखो एक और बैल आ रहा है, मतलब मुनिराज के लिए उन चार मंत्रियों ने क्या बोला कि देखो एक और बैल आ रहा है। अब श्रुत सागर मुनिराज को जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उनको उससे फर्क नहीं पड़ा, पर जब वे चार मंत्री आचार्य के बारे में या मुनिराजों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, तो वहां श्रुत सागर मुनिराज का इन चार मंत्रियों से वाद विवाद हो गया। क्या हो गया? वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद में श्रुत सागर मुनिराज ने उन चार मंत्रियों को परास्त कर दिया, मतलब उनका वहां पे मद खंडित कर दिया, वे परास्त हो गए। अब जो चार मंत्री पहले ही गुस्सा हुए हुए थे कि जब वो मुनिराज ने आशीर्वाद नहीं दिया था, और अब जब वाद विवाद में परास्त हो गए, तो और ज्यादा उन्हें क्रोध आ गया, और ज्यादा भड़क गए वो चार मंत्री, और उन्होंने सोचा कि अब इनसे तो बदला लेंगे ही। फिर वहां से वो चार मंत्री चले जाते हैं नगर की तरफ, और मुनिराज जो श्रुत सागर मुनिराज थे वो अपने संग में आ जाते हैं। ठीक है, जब श्रुत सागर मुनिराज अपने अकंपनाचार्य के पास आते हैं तो उन्हें पूरी घटना बता देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी आचार्य, जो भी मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं, वो आचार्य परमेश्वर को अपना पूरा वर्णन बताते हैं कि आज क्या दोष लगा, कैसा मतलब आहार में कोई बाधा हुई क्या, या विहार करने पे कुछ हुआ क्या, ये सारी प्रायश्चित आदि वे साधु आचार्य के सामने प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध सागर मुनिराज ने ये पूरी घटना, जो चार मंत्रियों के साथ उनका वाद विवाद हुआ था, ये अकंपनाचार्य को पूरी सुना दी। अकंपनाचार्य जब उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्हें इस बात की आशंका हुई कि जरूर अब कुछ बुरा होने वाला है। अकंपनाचार्य क्योंकि आचार्य थे, तो उन्होंने इस बात से ही अनुमान लगा लिया कि जरूर अब कुछ हानि हो सकती है। तो अकंपनाचार्य ने उन शुद्ध सागर मुनिराज को क्या कहा कि आप उसी स्थान पर जहां पर आपका वाद विवाद हुआ था, वहीं पे जाके ध्यान में लीन हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि आज रात्रि में या कल वे चारों मंत्री वापस आएंगे अपना बदला लेने। तो ये डर था कि कहीं पूरे संघ पे कोई संकट ना आ जाए, पूरे संघ को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए श्रुत सागर मुनिराज ने अकंपनाचार्य से कि मैंने वाद विवाद किया, कि गलती हुई, इस बात के प्रायश्चित स्वरूप वो उसी स्थान पर ध्यान में लीन होने चले जाते हैं जहां पे उनका वाद विवाद हुआ था। फिर रात्रि होती है, रात्रि में कुछ समय बाद श्रुत सागर मुनिराज जैसे उसी स्थान पर लीन थे जहां पे वाद विवाद हुआ था, वहीं पे वो चारों मंत्री रात्रि में आते हैं, जैसा अकंपनाचार्य को भाषित हुआ था कि वो चारों मंत्री आएंगे और वो अपने साथ हथियार लेके आते हैं। वे उन मुनिराज को मारने के लिए वहां से उसी स्थान पर आते हैं। जैसे ही वे मुनिराज को मारने के लिए
चारों मंत्री आए और उन्होंने अपनी तलवारें उठाई, जो हथियार लाए थे उन्होंने उनपे प्रहार करने के लिए उठाया, पर मुनिराज श्रुत सागर तो आत्मा में लीन थे। तो जैसे ही तलवार उठाई वे चारों मंत्री बिल्कुल वहीं पर कीलित हो गए। कीलित हो गए मतलब जम गए, जैसे उन्होंने तलवार उठाई ऐसे के ऐसे ही रह गए। देवों के द्वारा, किसी देव के द्वारा उन श्रुत सागर मुनिराज की रक्षा की गई, तो उन चार वहीं पे कीलित हो गए, जम गए। फिर जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने पर फिर से जब पूरा जनता मतलब प्रजाजन आचार्य या मुनिराज के दर्शन करने आते हैं, तो ये दृश्य देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब देखते हैं, अरे ये कैसे, ये चारों मंत्री मतलब मुनिराजों पर उपसर्ग कर रहे थे। और ये बात राजा श्री वर्मा को भी पता चलती है। जैसे ही ये घटना, ये बात राजा श्री वर्मा के पास जाती है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है कि हमारे संग में कोई, और वो भी हमारे मंत्री, मुनिराज के साथ उन पे ऐसा उपसर्ग करते हैं। तो वो राजा श्री वर्मा उन चार मंत्रियों को देश निकाला दे देते हैं, वहां से उन्हें नौकरी से उन्होंने निकाल दिया उन चार मंत्रियों को, ये देखकर। ठीक है, तो यहाँ ये अपनी कहानी का फर्स्ट हाफ यहाँ पर होता है। अब वो चार मंत्री आगे चल के हस्तिनापुर के राजा पद्म राय अब आगे चल रहे हैं। बहुत कुछ समय बाद वे चार मंत्री हस्तिनापुर के राजा पद्म राय के यहाँ पर कार्य करने लग गए, उसके मंत्री बन गए। और उन्होंने क्या किया, ये चार मंत्रियों ने किसी तरह उस पद्म राय राजा को प्रसन्न कर दिया, मतलब खुश कर दिया, कोई अपने काम से, कोई अच्छे काम से। तो पद्म राय राजा ने क्या कहा कि पद्म राय राजा ने उनको एक मुंह मांगा वरदान देने के लिए कहा कि आप जो कहोगे आपको वो दिया जाएगा, क्योंकि वो राजा प्रसन्न हो गया। आपने देखा होगा पहले यही सब होता था, राजा जब प्रसन्न होते थे तो वो इसी तरह से वरदान देते थे कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो चार मंत्री बहुत खुश हो गए। चार मंत्रियों ने सोचा कि हम समय आने पर बताएंगे, आप हमारा एक वरदान अपने पास रख लीजिए, हम जरूर आपसे समय आने पर लेंगे। ठीक है, फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि विहार करते करते वो 700 मुनिराज का संग उज्जैन से हस्तिनापुर पहुंच गया। वो 700 मुनिराज जिसमें अकंपनाचार्य भी थे, जिसमें श्रुत सागर भी थे, वो विहार करते करते कहां पहुंच गए, हस्तिनापुर पहुंच गए। अब वैसा ही हुआ यहां भी, जैसे ही 700 मुनिराज का संग आया पूरे नगर में हर्ष उल्लास फैल गया, सभी लोग उनके दर्शन करने आने लगे। और ये बात हस्तिनापुर के राजा पद्म राय के पास भी गई, चारों मंत्रियों को भी पता चला कि ये 700 मुनिराज का संग यहाँ पर विहार करते हुए आया है। फिर चार मंत्री ने सोचा कि ये वही संग है जिसके, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, अब हम इनसे बदला लेके ही रहेंगे। तो ये दिमाग में बात आने पर उन चारों मंत्रियों ने राजा से 7 दिन का राज्य मांगा। उनका एक वरदान ड्यू था, उन्हें एक वरदान मिलना था, तो राजा से उन्होंने क्या मांग लिया कि 7 दिन का हमें राज्य चाहिए चारों मंत्री में। तो उनमें से बलि जो था, बलि नाम का जो मंत्री था, वो राजा बन गया और उन्होंने 7 दिन का राज्य ले लिया। और उन्होंने ये बात इसीलिए ली कि अब वो राजा बन के इन 700 मुनिराजों को मतलब इनसे बदला लेंगे। तो ऐसा सोचकर फिर जब वो मुनिराज संग में, जब मुनिराज पूरा संग नगर में आया, तो उन्होंने उन मुनिराज के संग पे उपसर्ग करना चाहा। अब वो जो उपसर्ग है, जो पूरी घटना प्रसिद्ध है उसकी और बताता हूं बस, कि उन्होंने जैसे एक मुनिराज का पूरा संग एक वन में एक जगह पे आत्म ध्यान में लीन था, तो उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ उस संग के चारों तरफ घास बिछा के, मुनिराज तो घास पे चलते नहीं है, तो चारों तरफ संघ के चारों
बाउंड्री पे या पूरे उसमें घास बिछवा दी और उसमें आग लगवा दी। आग लगाने पर वह आग बहुत बढ़ती चली गई और उन 700 मुनिराज, वे तो आत्मा में लीन थे, उन 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग किया। किसने किया ये? बलि आदि जो चार मंत्री थे। इस समय वो राजा है, इस समय वो राजा थे, इसीलिए वे ये कार्य कर सके थे। तो उन्होंने उन मुनिराज के संग पर घोर उपसर्ग किया, अग्नि लगा दी, बहुत कई मुनिराज जलने लगे। कोई मुनिराज मतलब बढ़ती जाती है अग्नि, जंगल में ही थे तो इस तरह से वे मुनिराजों पर उपसर्ग करने लगे। अब ये घटना दूसरी तरफ पता चलती है विष्णु कुमार को, विष्णु कुमार मुनिराज को। वे विष्णु कुमार कौन थे? ये वे विष्णु कुमार उन, ये जो पद्म राय राजा थे, उन्हीं के भाई, उन्हीं के कोई भाई विष्णु कुमार नाम के थे। उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, तो वे विष्णु कुमार मुनिराज को जब ये घटना पता लगती है तो वे विष्णु कुमार मुनिराज को इन मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने का भाव आता है, उपसर्ग दूर करने का भाव आता है। और उनके पास, विष्णु कुमार के पास विक्रिया रिद्धि भी थी, विक्रिया रिद्धि भी थी। विक्रिया रिद्धि क्या होती है? कि जिस रिद्धि से आप अपने शरीर को जितना मर्जी बड़ा और जितना मर्जी छोटा बना सकते हो। तो उन विष्णु कुमार मुनिराज के पास ये रिद्धि थी, तो उन्हें ये विकल्प आया कि मैं कैसे अब मुनिराजों की रक्षा करूं, कैसे मैं उपसर्ग को दूर करूं। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने सबसे पहले तो क्या किया, अपना मुनि पद छोड़ा, अपनी मुनि दीक्षा छोड़ दी। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने गृहस्थ पद, श्रावक पद अंगीकार किया, और वो श्रावक पद अंगीकार करके फिर वो क्या करते हैं, एक बावनिया का, बावनिया मतलब जो होते हैं जिन्हें हम बोने बोलते हैं, जो बहुत छोटी छोटी हाइट के लोग होते हैं, उसका रूप बनाकर वो कहाँ चले गए, बलि आदि जो अभी राजा थे उनके दरबार में गए, उनके दरबार में पहुंचे। विष्णु कुमार बावनिया बन के, बावनिया का भेष धारण करके, और उन्होंने भी किसी तरह से उन बलि आदि चार मंत्रियों को खुश कर दिया, उन्हें प्रसन्न कर दिया। और बलि आदि ने भी फिर वही गलती करी और उन्हें कहा कि आप एक मुंह मांगा वरदान मांगो, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। तो ऐसा बलि आदि मंत्रियों ने किससे कहा, उन विष्णु कुमार से कहा कि आपको जो चाहिए आपको ले सकते हैं। तो ऐसा सुनकर उन विष्णु कुमार ने, जो अभी बावनिया के रूप में थे, उन्होंने कहा कि राजा, राजा जी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए, 3 कदम भूमि चाहिए। वे बलि आदि मंत्री हंसने लगे, वे बोले इतना हमने आपको जो मर्जी मांगने के लिए कहा है और आप कह रहे हो सिर्फ 3 कदम भूमि, और कुछ मांगो, कुछ बड़ा मांगो। तो उनने, विष्णु कुमार ने कहा नहीं, हमें 3 कदम भूमि ही चाहिए। तो बलि आदि मंत्री ने कहा ठीक है, आपको जैसा लगे आप ले लीजिए। फिर वो विष्णु कुमार जो थे, जो बावनिया के रूप में थे, उन्होंने, उनके पास विक्रिया रिद्धि थी, उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा बनाया, बहुत बड़ा बना लिया, इतना बड़ा बना लिया, और पहले कदम में उन्होंने पूरा 2.5 दीप, उन्होंने पहले कदम में पूरा इतना बड़ा बना लिया कि 2.5 दीप तक नाप लिया। दूसरे कदम में पूरा ही, मतलब पहले में जम्बू दीप, दूसरे में 2.5 दीप तक पूरा नाप लिया, जो लास्ट लिमिट है मनुष्यों की। तीसरे कदम रखने की जगह ही नहीं मिली। ये देखकर जो बलि आदि चार मंत्री थे, उनको मतलब उनका मान, उनका मद खंडित हुआ, और उन विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से, उन विष्णु कुमार ने जो अभी बावनिया का रूप बनाया था, उन्होंने 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर किया, 700 मुनिराजों के उपसर्ग को उन्होंने दूर किया। ये देखकर जो चार मंत्री थे उनका, मतलब उनका खंडन हुआ, वे परास्त हुए, और उन्होंने
मुनिराजों से, जो 700 मुनिराज पे जिन पर उपसर्ग किया था, उनसे क्षमा मांगी। मतलब उनको उनको बहुत अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। इस तरह से जो उपसर्ग हुआ था वो उपसर्ग दूर हुआ, क्योंकि अग्नि जलाई थी चारों तरफ, तो बहुत से मुनिराज का शरीर, किसी का आधा जल गया था, किसी के कुछ अंग जल गए थे, क्योंकि 7 दिन तक लगातार वो अग्नि जली थी, 7 दिन तक। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा जो अपना रक्षाबंधन का पर्व आता है, इस दिन वे उपसर्ग दूर हुआ था। जिस दिन हम रक्षाबंधन पर्व कहते हैं, उस दिन 700 मुनिराजों के उपसर्ग से उनकी रक्षा हुई थी, तो उसी दिन से ये रक्षाबंधन पर्व चल पड़ा। विष्णु कुमार मुनिराज ने पुनः मुनि दीक्षा लेके वे अपना आत्म ध्यान आदि में लग गए। पहले उन्होंने जो दीक्षा छेद कर श्रावक प्रद अंगीकार किया था, वो वापस से उन्होंने दीक्षा ली। तो इस तरह से पूरे नगर वासियों ने फिर मुनिराजों की सेवा करी, मुनिराजों की सेवा करने में उनके आहार आदि कराए। तो इस तरह से ये परंपरा रक्षाबंधन पर्व की चली। घटना जो पूरी कहानी थी वो यही रही है। इस घटना के कारण से ही ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। समझ आई कहानी सभी लोगों को, जिन्होंने नहीं सुनी होगी और जिन्होंने सुन के भी उनकी रिवाइज हो गई होगी। सर एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ जी सर, ये जो आपने बताया कि श्रुत कुमार मुनिराज को उन्होंने मतलब आचार्य ने कहा कि भी तुम अलग चले जाओ क्योंकि कुछ होगा, मुझे ये चीज मतलब मुझे स्टोरी पता थी लेकिन मुझे ये चीज बड़ी मन में आती है कि श्रुत कुमार मुनिराज ने गलत तो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना के लिए कि भाई ये उसको गलत बोल रहे हैं तो हम उसको झुकने क्यों दें हमारे धर्म को, और एक्चुअल में वो जो चीज बड़ी है तो उस प्रभावना के लिए उन्होंने वाद विवाद किया। उनको नहीं, उनको थोड़ी ना पता था कि ये ऐसे है या मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, अगर ऐसे हम लोग झुकेंगे तो फिर जैन धर्म की प्रभावना कैसे होगी, मतलब अपना धर्म कम हो जाएगा, है ना। तो उनकी गलती नहीं थी मेरे हिसाब से। और फिर अब आचार्य के पास वो गए तो आचार्य को एक्चुअली तो उनकी भी रक्षा करनी चाहिए ना, उन्होंने पूरे संघ की रक्षा के लिए उनको कह दिया तुम तो जाओ मरने एक तरह से। मतलब मुझे ये चीज कम अच्छी लगती है कि आचार्य हो गए तुम उनको भी तो शरण दो या उनको कुछ उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो, वो नहीं किया उन्होंने, पूरे संघ की सेव किया उन्होंने। मैं बताता हूं, हम इस पे अब पूरा डिस्कशन करने ही वाले, कहानी तो हो गई, अब इसमें हम देखेंगे कि गलती कहां हुई है, अपराध कहां था, स्टार्टिंग कहां से हुई और इससे क्या शिक्षा हमें मिलती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं पहले तो ये बात यहां से शुरू करूंगा कि इस रक्षाबंधन पर्व का संबंध भाई और बहन से कैसे आया। मतलब आज जो जगत में रक्षाबंधन पर्व चल रहा है जिसे हम मानते हैं, उसमें तो भाई और बहन, और उसमें भी बहन राखी बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। तो इस पूरी घटना से, इस पूरी कहानी से कहां से ये बात हमें मिलती है, सोचिए आप। मतलब अगर विचार किया जाए तो इस पूरी कहानी में, पूरी घटना में, पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें भाई बहन की रक्षा का कोई संबंध ही नहीं है। पर पता नहीं कि कैसे ये परंपरा कब चालू हुई, कौन से धर्म से, किन से प्रभावित होके चालू हुई, हम उसके बारे में नहीं जानते, पर चल रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें रक्षा की बात करें तो यहाँ भाई बहन की रक्षा का ही नाम रक्षाबंधन नहीं है। आप देखो इस दिन क्या हुआ था, अगर हम थोड़ा भी घटना से, इतिहास से और लॉजिकली सोचते हैं तो क्या भाई ही बहन की रक्षा कर सकता है, बहन नहीं कर सकती? और क्या हमें सिर्फ भाई बहन की ही रक्षा करनी चाहिए, बाकी की नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, एक भाई भाई की नहीं कर सकता क्या? और चलिए छोड़िए, भाई नहीं है, एक साधर्मी है, भाई नहीं है, तो क्या उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? कर सकते हैं, करनी ही चाहिए। तो रक्षाबंधन पर्व में अगर हम रक्षा की भी बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखा जाए तो इस दिन मुनिराजों की, जिन धर्म की रक्षा हुई थी, इसीलिए इसको रक्षाबंधन पर्व में हम मान सकते हैं, जिन धर्म की, मुनिराजों की, इनकी। पर
आज हमें उसकी रक्षा का तो पता नहीं है, मतलब उसकी रक्षा का तो नहीं पता, पर हमें तो आपस में भाई बहन की रक्षा का नाम ही रक्षाबंधन लगता है। तो इस बात पे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि रक्षाबंधन पर हम मनाते चाहे कैसे भी हो, मैं वो मना नहीं कर रहा, मैं उसको बदलने के लिए नहीं कह रहा, पर हमें वास्तविकता पता होनी चाहिए कि ये जो पर्व है ये हमें रक्षा का संदेश देता है। किसकी रक्षा? तो सबसे पहले तो अपने जैन धर्म की रक्षा, उसके बाद जैन धर्म को पालन करने वालों की रक्षा या देवशास्त्र गुरु की रक्षा, जो गुरु है जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनकी रक्षा, और उनके बाद हम देखें तो हमारे जो साधर्मी जीव है जो हमारे साथ परस्पर में इस जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं, ऐसे साधर्मी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इस रक्षाबंधन को आपने सुना होगा, इसको वात्सल्य पर्व कहते हैं, वात्सल्य पर्व, क्योंकि ये हमें साधर्मी वात्सल्य की प्रेरणा देता है, साधर्मी वात्सल्य सिखाता है कि एक जीव का एक साधर्मी का आपस में कैसा वात्सल्य होना चाहिए। और देखा तो क्या जाता है, उल्टा, कि एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से ईर्ष्या करता है, एक साधर्मी दूसरे से उसको कुछ बताना नहीं चाहता, उसे उससे कुछ भी बातें नहीं करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परस्पर में जो भी जिन धर्म में लगे हैं, कैसे भी करके, थोड़े लगे हैं ज्यादा लगे हैं, उनके प्रति हमें वात्सल्य की शिक्षा ये पर्व देता है। ठीक है, हम भाई बहन का मनाते जरूर होंगे, पर ये रक्षाबंधन पर्व हमें सबकी रक्षा करने का संकल्प लेने का पर्व है। समझ आ रहे हैं नीलेश जी? देखो, तो ये सबसे पहले जो यही प्रश्न हमने उठाया कि इसका भाई बहन से कोई ऐसा घटना से कोई संबंध नहीं है, इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई बहन की रक्षा हुई थी, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जैन धर्म की हर तरह से रक्षा करेंगे। अब थोड़ा सा हम सोचे कि हम जो काम कर रहे हैं, हम रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम जैन धर्म की रक्षा करनी कैसे कर सकते हैं, सोचिए क्या कर सकते हैं हम जिससे जैन धर्म की रक्षा हो। रोहन जी, हमारे संघ के जो भी आचार्य साधु साध्वी है उनका ध्यान रखा जाए, उनको जैसे लास्ट में हमने बताया था जो दान की बात की थी, औषधि ध्यान हुआ या मंदिर बनाना हुआ, तो आपने अभी दो तीन चीजों का जिक्र किया कि हमारे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सभी का ध्यान रखा जाए पहला तो, दूसरा फिर आपने कहा कि साधु साध्वी और सहधर्मी का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम मंदिर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली सहधर्मी भी वहां पे साथ में आते हैं, स्वाध्याय होता है, तो वैसे हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और कोई बताइए। एक प्रश्न भी था मुझे यहाँ पे। हाँ, पूछिए। आपने बीच में कहा था कि जो आचार्य कंपनाचार्य आचार्य थे उनको भय हुआ था कि जब सुसागर जी ने बताया था कि ये घटना हुई तो उन्हें भय हुआ था, तो जो आचार्य या जो साधु होते हैं तो सप्त भय से, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होते हैं तो सप्त भय नहीं होता है उनको, तो फिर उनको क्यों भय हुआ था? ठीक है, मैं ये बताऊंगा। एक बार जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हम जिन धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं, सरिता जी। सर, मुझे क्या लगता है कि जैसे एक प्रैक्टिकली जब हम बाहर दूसरे समाज के लोगों से भी मिलते हैं तो बहुत बार बख्श अबख्श को लेकर काफी मजाक बनाया जाता है, तो हमको उसकी रक्षा करती आनी चाहिए और उनको अच्छे से बताते आना चाहिए, और उस तरीके से हमको कभी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है हम उनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपना अच्छे से पॉइंट सामने रख के इसको, तो हम निरुत्तर ना हो उसके लिए क्या किया जाएगा, मतलब कैसे होगा ऐसा? डिटेल स्टडी करके कि ऐसा क्यों है, और अपने बच्चों को भी बता के, क्योंकि मेरे भी बच्चों को इस टाइप की बहुत तकलीफ जाती है तो मुझसे पूछते हैं, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि आप इस तरीके का जवाब दीजिए। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं आप कि हमें पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। और बताइए और कोई, और कि हम कैसे रक्षा कर सकते हैं जिन धर्म की, जिन वाले की रक्षा करनी चाहिए, जिन वाणी की रक्षा, उनके संरक्षण, उसकी सेवा, मतलब उसकी से करनी चाहिए, इस तरह से भी होगी। बिल्कुल सही है। और
और कोई बताना चाहे? जी, हम लोग ने खुद ने नॉलेज लेने के बाद और हमें अपने धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये भी रक्षा का है। और बताइए कोई, और कैसे कर सकते हैं भैया जी? ज्ञान अर्जन करके ज्ञान का विस्तार करें तो ताकि सबको ज्ञान हो, उसी से ज्ञान धर्म की रक्षा होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अजय जी, नहीं, सबसे पहले तो हमें जो साधर्मी या धर्मात्मा है वो कौन है वो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जिसने थोड़ा भी आंशिक धर्म ग्रहण किया होगा वो सभी धर्मात्मा है। सबको वात्सल्य और अपना स्थितिकरण का करना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। कि जिस धर्म की हम लोग तो ये कर रहे हैं, धर्मात्मा को हम नहीं मान रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम घर से चालू होता है, मींस फैमिली से चालू होता है। बिल्कुल, फैमिली वो साधर्मी है। बिल्कुल, और तो अपराध करके अपने आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, देखिए, मैं ये ही सुनना चाहता था थोड़ा। बिल्कुल, आपने जो सारे बताए हैं सबके बिल्कुल सही है। देखो, सबकी हम बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं रक्षा? देखो, सबसे पहली बात हम देखें तो सबसे पहले तो अपनी आत्मा की रक्षा। अब आत्मा को क्या परेशानी है? तो ये जो आत्मा हमारा चार गतियों में संसार में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, तो सबसे पहले हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसकी रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर हम बात करें अगर जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म की सबसे बड़ी रक्षा तो ये है कि हम उस जैन धर्म को स्वयं पढ़े, समझे और उसको आगे बढ़ाए, तभी तो रक्षा होगी। आप देखो, आज लोग बोलते हैं कि ये चीज, मतलब इस धर्म का लोप होता जा रहा है, कम होते जा रहे हैं लोग, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, हम ऐसा करेंगे। तो इन सब चीजों से रक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ी रक्षा तो अपने जैन धर्म की ये है कि हम, देखो रक्षा कैसे होगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोग जैन होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। और वो लोग कैसे पढ़ेंगे? जब पहले हम खुद पढ़ेंगे। तो वास्तव में जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म की वृद्धि, इसी का नाम है कि हम स्वयं जैन धर्म को गहराई से समझे, और सिर्फ समझे नहीं, उसको फॉलो करें, उसका पालन करें, हम स्वयं अपने से शुरू करें। जैसा उन्होंने अभी बताया कि घर से ही इसकी स्टार्टिंग है, कि हम स्वयं इसका पालन करेंगे तो जैन धर्म की रक्षा होगी। और आप सोचिए थोड़ा, जब हम खुद पालन नहीं करेंगे तो रक्षा होगी कि इसका नाश होगा? आज हमने पालन नहीं किया, मान लीजिए कल को हमारे जो आगे की जनरेशन होगी या आगे के लोग हैं उन्हें थोड़ा बहुत पता चलेगा, उसके बाद तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, तो ये नाश हो गया, ऐसे लोप होता चला जाएगा। तो इसका विपरीत रक्षा कैसे होगी? कि जब हम स्वयं समझेंगे, जानेंगे, खुद पालन करेंगे और लोगों को भी खुशी से बताएंगे। मतलब ऐसे नहीं, हमें गर्व होना चाहिए, हमें उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम पूरे विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म या मार्ग हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और बिल्कुल लॉजिकल है, साइंटिफिक है, खुद हम उसका पालन करेंगे। हमें उसको पालन करते हुए खुद प्रसन्नता होगी तो अन्य लोग भी करेंगे, अन्य लोगों को बताते हुए हमें प्रसन्नता होगी। तो वास्तव में सबसे पहला रक्षा का उपाय तो यही है। नहीं तो कुछ समय बाद आप देखोगे, आप देखो जो बड़े लोग हैं वो जानते भी हैं कि आज से 20 साल पहले जैसा था या 30-40 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, बहुत कम हो गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा या हम लोग पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल के और इसमें कम होता चला जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी जिनवाणी की संरक्षण बिल्कुल सही है, ये भी जैन धर्म की रक्षा का ही एक अंग है। हम जिनवाणी की वैयावृत्ति करें, अधिक से अधिक जिनवाणी छपे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े। पढ़ना और पढ़ाना ये भी जिनवाणी की रक्षा है। साधर्मियों की रक्षा, जो कहा कि साधर्मियों का परस्पर में ध्यान रखे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों का तो ध्यान रखे, अपने अपनों को खबर रखे, उनकी मदद करे, जिनको जरूरत नहीं है उनकी करे, ऐसा नहीं। साधर्मी जीव
जो किसी भी तरह से जैन धर्म के मार्ग पर लगे हैं, थोड़ा भी ध्यान मतलब थोड़ा भी धर्म ध्यान आदि करते हैं किसी भी माध्यम से, हम उनकी सहायता करें। ये है साधर्मियों की रक्षा, उन पे आने वाले उपसर्गों को दूर करें, उनको धर्म करते समय जो संकट आ रहे हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम कैसे करके दूर करें, इसका नाम है साधर्मियों के प्रति वात्सल्य। समझ आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें, फिर बाकी सारी बातें जो आपने कही, मंदिर आदि की रचना करके, मंदिर आदि निर्माण करा के, पाठशालाएं चला के, लोगों तक धर्म की बातें पहुंचा के, ये जैन धर्म की रक्षा का ही उपाय है। पर सबसे स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने, वो बात आपको ध्यान होनी चाहिए। स्वयं अपनी आत्मा की रक्षा, उसको समझना, उसको जानना, ये सबसे पहली रक्षा है। एक जीव अपनी आत्मा को समझता है और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावना उससे होती है। अनेक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उतनी प्रभावना नहीं कर सकते जितना एक ज्ञानी सम्यक दृष्टि बिना बोले करे। देखो जैसे मुनिराज थे ना, हमने उदाहरण देखा कि मुनिराज कैसे करते हैं प्रभावना, बिना बोले मौन रहते हैं आत्म ध्यान में, तो भी उनसे सबसे ज्यादा प्रभावना होती है। तो ये जैन धर्म की रक्षा करने के कुछ उपाय हमने देखे, ठीक है? तो दो बातें हो गई, एक तो इसमें भाई बहन का इस पर्व से क्या संबंध था, हमें जैन धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये बात। तीसरी बात, अब इसमें हम थोड़ा कहानी के अंदर चलते हैं कि इस पूरी, हाँ देखो एक और ये आया है कि, हाँ वो मैं अभी उसमें लूंगा कि कैसे हम इस पर्व को मनाएं। देखो अब तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि इस पूरी घटनाक्रम में हमने इतने मुनिराज देखे, कौन कौन से, अगर हम नाम में देखे, तीन नाम आए हैं, एक अवकंपनाचार्य, एक श्रुत सागर और एक विष्णु कुमार, ठीक है? अगर हम देखें तो इन तीनों मुनिराजों में आदर्श कौन से मुनिराज माने जा सकते हैं, हमारे लिए इनमें आदर्श कौन हो सकते हैं? एक वो है जो आत्मा में ध्यान में थे, दूसरे वो है जिन्होंने जैन धर्म के लिए चार मंत्रियों से वाद विवाद किया, और तीसरे वो है जिन्होंने 700 मुनिराजों पे उपसर्ग को दूर किया। तो आप अपने अपने आंसर सोचिए कि आपके लिए कौन से मुनिराज आदर्श बन रहे हैं, मतलब कौन से मुनिराज ने सबसे अच्छा काम किया है। मतलब अभी आप अपने मन से सोच के आंसर दीजिएगा कि आपको, और उसका कारण भी मैं बताना है कि क्यों आपको ये वाले मुनिराज आदर्श लग रहे हैं। मतलब अगर हम वैसे तीनों में कोई हम डिफरेंस नहीं कर रहे, पर अगर हमें वो करना है कि कौन से ज्यादा श्रेष्ठ, कौन से मध्यम और कौन से वो, तो आइए आपको एक बार बताना है। कौन बता सकता है? मीनाक्षी जी। भैया जी, मुनिराज अकंपनाचार्य जी आदर्श लगे, क्योंकि अगर उन्होंने बोला था जो सत्संग के मुनिराज को, आई एम अज्यूमिंग कि ना अकंपनाचार्य जी को ऑलरेडी पता होगा कि वो आएंगे और वो फ्रीज हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा उनको। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग अकंपनाचार्य मुनिराज आदर्श रहे, ठीक है? और बताइए, और कोई? एक आंसर है, सभी मुनिराज आदर्श है हमारे, बिल्कुल सही है। पर अगर अभी हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा एनालिटिक तीनों को देख रहे हैं, तो कौन? हाँ, अपूर्व जैन आपने हैंड रेस किया है जी। मुझे लगता है कि तीनों ही आदर्श है, तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे अकंपनाचार्य जी जो थे वो ध्यान में मग्न थे, ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि आत्मा का जो जिसमें वो साधना करते हैं वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो थोड़े मुझे ज्यादा वो लगे। क्योंकि जब दूसरे जो साधु थे उन्होंने वाद विवाद किया, तो वाद विवाद के मध्य मतलब उन्होंने एक ईर्ष्या मतलब चारों मंत्रियों को उनसे हो गई, वो उनसे मतलब, तो धर्म का हमें ये ऐसा नहीं करना है कि हम धर्म को बताना तो चाहते हैं लेकिन हम ईर्ष्या भी इकट्ठा कर रहे हैं लोगों की, हमें ईर्ष्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लोग हमारे धर्म को समझे और प्रसन्नता से उसको अपनाएं। और थर्ड में जो विष्णु कुमार जी थे, उन्होंने
नो डाउट सारे मुनिश्रियों को बचाया है, लेकिन उन्होंने उसके लिए अपना साधु धर्म भी छोड़ दिया, मतलब त्यागा उसको पहले, और फिर उन्होंने किसी और रूप में आके अपनी रिद्धि का उपयोग करके वो बचाया है। तो एक तरीके से उन्होंने भी कुछ आइडियलिज्म को छोड़ा ही है, इसलिए मुझे कल्पनाचार्य जी ज्यादा उसमें आदर्श लगते हैं। बिल्कुल सही, मतलब बिल्कुल ठीक है। और बताइए, और कोई इसमें एक और जनिका लेते हैं कि क्या आपका व्यू है? हाँ सरिता जी, आप बताइए। यदि किसी एक को ही चुनना है तो मुझे फिर विष्णु कुमार जी भी ठीक लगते हैं, क्योंकि उन्होंने साधर्म्यों की रक्षा की और जैन धर्म की रक्षा की, साधर्म्यों की रक्षा करके, तो मुझे वो भी ठीक लगते हैं। देखिए ठीक है, मैं अब हम थोड़ा सा इस पे करते हैं। आप लोगों ने अपना बताया कि ये जो तीनों मुनिराज हमारे सामने आए हैं, मतलब जो अकंपनाचार्य आदि बाकी के, और श्रुत सागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज, अगर हम आदर्श की बात करें, आदर्श तो देखिए एक ही होता है, बाकी काम किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से उन्होंने जो किया उसका कहीं ना कहीं उपयोगी होते हैं, मतलब उसकी उसका महत्व अपना है, पर आदर्श एक को या हम मान सकते हैं। तो इसमें आप अगर हम मुनिराज के स्वरूप की अपेक्षा से बात करें, बाकी कुछ नहीं, मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, तो स्वरूप में हमने पढ़ा था ज्ञान ध्यान में जो लीन रहते हैं, जो आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, आपको ध्यान होगा हमने ऐसी लाइंस पढ़ी थी कि जो सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, ऐसे मुनिराजों को ही आदर्श माना जा सकता है। तो ऐसा कार्य पूरी घटना में किनने किया था, तो वो था अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने। आप ये कह सकते हो कि ऐसा क्यों कह रहे हो, श्रुत सागर मुनिराज ने भी कोई छोटा काम थोड़ी किया था, वाद विवाद किया, उन्हें परास्त किया, उनको खंडित किया, तो अच्छा है। पर अगर हम पूरी घटना में देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको, क्योंकि देखिए घटना तो जो इतिहास में हुई है वो हुई है, पर हम उस पे आज क्या सही रहा क्या गलत रहा इस तरह से विचार कर सकते हैं। घटना तो जो हुई थी ठीक है, पर उसका हम एक तरह से उसमें से हमें क्या सीखने के लिए मिलती है, पूरी घटना से तो सारी बातें तो नहीं सीखने के लिए मिलती, पर क्या क्या चीजें निकल रही है? अगर हम पूरी घटना में देखें अपराध कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो अपराध का मूल कारण था वो वाद विवाद, अगर हम देखें। क्योंकि आप देखिए ऐसा बहुत मिलेगा आपको प्रथमा नियोग में, और भी जगह मिल जाएगा कि जहां पे कोई दुष्ट जीव यदि उनसे वाद विवाद किया जाए, यदि उनको समझाया जाए, तो वो समझते तो नहीं है और उल्टा क्या कर सकते हैं, वो और उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। तो सारी जो गलती रही, जो अपराध हुआ, वो वहां से ही प्रारंभ हुआ था। क्योंकि सबसे पहले बात करें तो मुनिराजों का स्वरूप वाद विवाद करना नहीं है, नहीं है, उन्हें वो वाद विवाद नहीं करते किसी से, मतलब वाद विवाद एक तरह से ये हो गया कि हम उनको बहस करके समझाया जा रहा है, पर मुनिराज वाद विवाद नहीं करते हैं। वे बस हो अगर विकल्प आए तो जीवों की जीवों पे करुणा करके उपदेश दे सकते हैं, पर कोई जीव नहीं समझ रहा है तो उससे वाद विवाद कभी भी मुनिराज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो ये, दूसरा जब हम किसी से वाद विवाद करें या हम किसी से चर्चा करें तो हमें भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो सामने वाला जीव किस प्रवृत्ति का है, मतलब वो कैसा है। आप देखो इसके लिए तो इस बुक में तो ये उदाहरण दिया कि जैसे सांप है, सांप को दूध पिलाया जाता है तो वो मतलब दूध भी विष ही बन जाता है, सांप तो अपनी विषमता नहीं छोड़ता बल्कि वो दूध भी वो भी विष बन जाता है। तो ऐसा क्या है कि एक बहुत गहरी बात यहाँ पे बता रहे हैं, यदि हम दुष्ट जीवों को उनसे चर्चा करेंगे, उनसे वाद विवाद करेंगे, तो ये उल्टा प्रभावना नहीं, इससे और धर्म की नुकसान धर्म की हानि हो सकती है, होती है। तो ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम हर किसी को समझा दे, हम हर किसी को सुना दे, पर आप देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मतलब हमें तो बहुत मिलते हैं कि जो वो समझने के लिए नहीं समझ रहे, वो किस लिए समझ रहे हैं, वो आपको चेक करने के लिए समझ रहे हैं,
या फिर वो कुछ अपना मतलब अपना बताने के लिए समझ रहे हैं, तो या फिर कुछ उल्टा ही, जिनसे जिनको समझना नहीं है और उल्टा उन नुकसान करना है, तो ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे। तो हमें वाद विवाद, हमें चर्चा किससे करनी चाहिए, तो इसके लिए कहा दुष्टों से कभी भी चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। मतलब जो जिनको समझने की बुद्धि है, जो वास्तव में चाहते हैं कि हाँ मैं, आप मुझे बताइए कि जैन धर्म क्या है, क्या इसमें रहस्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमें उन जीवों से चर्चा करनी चाहिए। हर किसी को समझाने के चक्कर में प्रभावना के बदले और नुकसान भी हो सकता है, कई बातें बढ़ भी सकती है, तो ऐसे जीवों से उलझना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मुनिराज का तो स्वरूप ही नहीं है उलझना। एक बार को श्रावक तो हम मान भी लेते, श्रावक का तो कर सकता है, श्रावक का मतलब करना तो उसे भी नहीं चाहिए, पर मुनिराज की तो वो भूमिका ही नहीं होती है। इसीलिए मुनिराज के स्वरूप में जो श्रुत सागर मुनिराज ने ये किया, वो वहां पे सबसे बड़ा, हम इस पूरी घटना में हम ये कह सकते हैं वो टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि एक बार वो मंत्री वहां से चले गए थे जब मुनिराज मौन थे, पर जब उन्हें उनसे वाद विवाद हुआ तो वो ज्यादा भड़क गए, तो उनको ज्यादा क्रोध आ गया। तो इस तरह से तीसरे आए विष्णु कुमार मुनिराज। विष्णु कुमार मुनिराज ने, ठीक है, बहुत अच्छा है कि उन्होंने उपसर्ग दूर किया, 700 मुनिराजों की रक्षा करी, परंतु सबसे बड़ा वहां पे एक माइनस पॉइंट यही रहा कि उस उपसर्ग को दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज को अपना मुनि पद छोड़ना पड़ा, मुनि पद छोड़ना पड़ा और श्रावक पद अंगीकार करना पड़ा। ये देखिए कोई सामान्य बात नहीं है, हमें लग सकता है, हमें लगे इसमें क्या बड़ी बात है, छोड़ दिया उन्होंने मुनि पद, तो गृहस्थ पद अंगीकार करके कर दिया। पर ये एक मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से ये आदर्श बात नहीं है कि किसी मुनिराज को अपनी मुनि दीक्षा छोड़नी पड़े। बहुत सारे मतलब ऐसे कंडीशन, अपवाद वाले कंडीशन होती है जिनमें उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो वो कोई राजमार्ग नहीं है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा उन्होंने किया, फिर चाहे उद्देश्य कुछ भी रहा हो, उद्देश्य मुनिराजों की रक्षा करने का था इसलिए तो चलो अच्छा है, पर इसको देख के कोई दूसरे मुनिराज अगर ऐसा कहे कि हम थोड़े मतलब, जैसे उन्होंने तो रक्षा करने के लिए किया, कोई कहे कि नहीं हम अपने परिवार का थोड़ा सा ध्यान रखना है, या हमें उनकी थोड़ा सा, उनका थोड़ा सा काम रह गया था तो हम एक बार थोड़े दिन के लिए गृहस्थ बन के काम कर फिर वापस आ जाएंगे, तो इससे ये एक राजमार्ग नहीं है, इससे गलत प्रवृत्ति चलने की संभावना हो सकती है, इसीलिए इनको भी हम उस अपेक्षा से आदर्श नहीं मान सकते। समझ आ रहा है जिन्होंने भी उत्तर दिया था और जो सोच रहे थे? तो हम देखिए, विष्णु कुमार मुनिराज ने नो डाउट बढ़िया वो कार्य किया, क्यों किया? देखो सबसे पहले हम बात करें कि क्या एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का उपसर्ग दूर कर सकते हैं, बताइए, अगर किसी को इस बारे में जानकारी हो, क्या एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का उपसर्ग दूर कर सकते हैं या करना चाहिए क्या? मुनिराज तो मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज का उपसर्ग दूर नहीं कर सकते। उपसर्ग दूर करना ये श्रावक का कर्तव्य है, पर यहाँ थोड़ी घटना थोड़ी अलग थी। यहाँ पे क्या हुआ कि जब राजा ही उपसर्ग कर रहा है तो प्रजा तो पूरी तरह से मतलब हेल्पलेस हो गए थे, वो तो काम कर ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ यद्यपि करना तो श्रावक को चाहिए था जो उस नगर की प्रजा थी, पर जब राजा ही उपसर्ग करे तो राजा के सामने प्रजा की क्या चलेगी, इसीलिए वो श्रावक नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है उन्होंने प्रयत्न नहीं किया होगा, किया होगा, बिल्कुल किया होगा, सबको भाव भी आए होंगे कि लोग ऐसे तो है नहीं कि मुनिराजों पे उपसर्ग और कुछ किया ही नहीं होगा, पर राजा इतना क्रूर था, या वो बलि आदि जो चार मंत्री राजा बन गए थे उन्होंने ऐसा किया कि कोई प्रजा उपसर्ग भी दूर नहीं करा, तब जाके विष्णु कुमार मुनिराज को वैसा भाव आया। अगर हम इसका भी थोड़ा पॉजिटिव पक्ष देखते हैं तो उन्होंने यद्यपि मुनि पद छोड़ा था और उपसर्ग दूर किया, पर पुनः उन्होंने मुनि पद अंगीकार भी किया। ऐसा नहीं है कि एक बार मुनि पद छोड़ा, गृहस्थ बन गए,
उपसर्ग दूर कर दिया और अब सोच रहे हैं कि अब तो इसमें मजा आ रहा है, इसमें अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन रह लेते हैं फिर चले जाएंगे। ऐसा नहीं, उन्होंने तत्काल ही मुनिपद पुनः अंगीकार किया और आत्म ध्यान करके मोक्ष भी प्राप्त किया। तो उन्होंने तो प्रायश्चित पूर्वक अपना कार्य कर लिया, पर वो राजमार्ग नहीं है। इसलिए जब हम आदर्श की बात करते हैं तो अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज वे ही आदर्श रहे हैं, वही आदर्श माने जा सकते हैं। पर जब बात आएगी वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध, जब बात आएंगी कि हमें वात्सल्य का एक एग्जाम्पल किसने प्रेजेंट किया है, तो वो आएंगे विष्णु कुमार मुनिराज। उन्होंने सब जीव मतलब मुनिराजों के प्रति, जिन धर्म की रक्षक के प्रति एक एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि ऐसा होने तक भी मतलब कार्य किया जा सकता है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो? हाँ जी रोहन, जो आपने पूछा भी था एक बार रिपीट कर दीजिए। एक तो वो भी था और दूसरा ये कि अब जिस जो मुनिराज थे जिन्होंने अपना मुनि धर्म का त्याग किया, तो वो मुनिराज को क्यों जरूरत पड़ी त्याग करने की, क्योंकि ये तो करमबद्ध पर्याय के थ्रू है। अब जैसे पाषाण भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ कमठ के द्वारा, तो वहां तो कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि जो उन्हें था वो तो निकालना ही था। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता था ना कि जो उनके साथ घटित होना था वो घटित होना ही था, या देव आके कर लेते, क्योंकि मुनिराज तो चारों प्रकार की हिंसा के हिंसा नहीं कर सकते हैं। आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या था? तो पहला ये था कि जो अकम्पनाचार्य आचार्य थे उनको भय हुआ कि हाँ, कुछ होने वाला। ठीक, ठीक, तो सप्त भय के त्यागी होते हैं, तो इसलिए पूछा था। देखिए सबसे पहले भय वाला बताता हूँ, तो यहाँ उस भय की बात नहीं है। वो जो सप्त भय होते हैं वो मिथ्यात्व संबंधी भय होते हैं। यहाँ हम मुनिराज या जो अकम्पनाचार्य थे उनको एक तरह से भय नहीं हुआ, उनको आशंका हुई, उनको ये बात मन में आई, भय नहीं था। मतलब मुनिराज डरते नहीं है कि बलि आदि से डर गए हों, या डरे नहीं थे, पर एक आचार्य का कर्तव्य है, उनके ऊपर अपने संघ की जिम्मेदारी है, तो उनका ये कर्तव्य था कि अपने संघ के हित अहित के बारे में सोचे। तो उनको सहज ये विकल्प आया, आशंका बनी कि अब ऐसा ऐसा हुआ है तो जरूर वो चार मंत्री कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और इससे मुनिराज के संघ पे संकट आएगी तो बहुत नुकसान होगा धर्म का, अनेक मुनिराजों के प्राण की भी उसमें हिंसा हो सकती है, तो ये आशंका उनके मन में आई थी। दूसरा जो ये क्रमबद्ध पर्याय वाला आपने कहा, तो अभी भी आप इस बात को ये समझिए कि ये भी जो हुआ है ये भी ऐसा था, मतलब अगर आप पार्श्वनाथ भगवान की बात करें तो वहां तो उपसर्ग दूर नहीं होना था इसलिए वहां कोई नहीं आया, पर यहाँ उपसर्ग दूर होना था ना, यहाँ उपसर्ग दूर होने का काम होना था, तो किसी ना किसी को उसका विकल्प भी आना था। तो इस मतलब वो जो क्रमबद्ध पर्याय की बात है वो बाधित नहीं है, वो इसमें ब्रेक नहीं हुई है, वो बिल्कुल एज इट इज चला है, पर यहाँ घटना इसी तरह से बननी थी। और मुनिराज विष्णु कुमार को वो विकल्प आया, विकल्प इतना तीव्र था कि उन्हें मुनि पद भी छोड़ने का भाव आया और उन्होंने रक्षा के लिए श्रावक पद अंगीकार किया और रक्षा करी। पर ये चीज क्रमबद्ध पर्याय में नहीं थी, और या ऐसा नहीं होना था और फिर उन्होंने किया, ऐसा नहीं है, होना था, तो इसलिए उनको विकल्प भी आया। आशीष जी भैया दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कि संघ में अगर आचार्य मौन रह जाए तो क्या शिष्य खुद से भी किसी चीज को मतलब किसी परेशानी को जान करके खुद से भी प्रायश्चित लेकर के ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, खुद से प्रायश्चित ले सकते हैं कि नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर हम मुनि बने, सम्यक दर्शन में 8 अंग होते हैं, वात्सल्य अंग, प्रभावना अंग, तो उस दृष्टि से अगर हम जो है मतलब प्रायोरिटी हमें किसकी रखनी चाहिए, अपने आत्मा के रागदेश भावों की, मतलब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी से लगते हैं कि इधर में अपनी आत्मा में लीन होकर अपना ध्यान आगे बढ़ाने की स्थिति बनती है बनाए, या फिर इधर हमारा समय दर्शन का अंग ये जो है वात्सल्य प्रभावना ये हटता है, तो क्या प्रायोरिटी है और क्या सही चलता है? देखिए इसमें ये बातें हैं कि सबसे पहले तो ये जो बात है कि जो आपने कहा कि आचार्य की मौन होने पर कोई मुनिराज उनसे ले सकते हैं क्या, देखिए घटना हमें
बहुत ज्यादा मतलब जो एक कहानी है बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं मिलती कि भाई मुनिराज ने आचार्य अकंपनाचार्य ने कैसा कहा था क्या कहा था, पर इतना जरूर है कि अकंपनाचार्य के दिमाग में या उनके मन में ये भय की आशंका थी और श्रुत सागर मुनिराज को भी कहीं ना कहीं ये बोध था कि जो मैंने कार्य किया है वो गलत है या गलत हो गया या वो किसी तरह से वाद विवाद जो किया अब इससे संघ को संकट आ सकता है। तो अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा हो या नहीं कहा हो ये थोड़ा हम इस बात में, क्योंकि घटना प्रथमा नियोग की है और कई जगह घटना मिलने पे थोड़ा सा अलग अलग भी मिल जाता है। कहीं पे ऐसा लिखा मिला कि अकंपनाचार्य मुनिराज ने उन्हें वहीं जाके ध्यानस्थ होने के लिए कह दिया, और कहीं पे ऐसा भी मिला है किसी उसमें कि अकंपनाचार्य मुनिराज ने कहा नहीं था पर वो मौन हो गए थे और उनके मौन को ही मतलब उनके चेहरे से ही श्रुत सागर मुनिराज ने ये बात समझ ली और वो उस जगह पे ध्यान में लीन हो गए। कि क्योंकि देखिए एक जो विनीता जी शायद आपने जो पूछा था आपका जो प्रश्न था कि एक मुनिराज को भी ये तो आप जाओ आप मतलब ऐसा हो गया ऐसा क्यों किया उन्होंने। देखिए सबसे पहला तो उनका कर्तव्य जो जो अपने अकंपनाचार्य थे उनका सबसे पहला भाव या उनका कर्तव्य तो यही था कि पूरे संघ की रक्षा करें, और दूसरी बात उन्होंने यही किया। अगर हम इस दृष्टिकोण से बात करें तो पूरे संघ पे उपसर्ग ना आए, पूरे संघ पे वो ना आए, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले ही भास हो गया था कि आना तो पूरे संघ पे ही है, मतलब वो क्रोध में भड़के हुए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस बात को देखेंगे कि उन्होंने श्रुत सागर मुनिराज को उसी स्थान पर ध्यानमग्न होने के लिए कह दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात चली होगी कि हम ऐसा नहीं कि एक के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं इसीलिए कर दिया, ऐसा नहीं, पर कि हम बाकी मुनिराज जो 699 मतलब 699 जो मुनिराज है या पूरा जैन धर्म है उसकी रक्षा के लिए हमें ये कार्य करना जरूरी है। क्योंकि अब देखो तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें कम दोष और ज्यादा दोष के को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। कम भैया इसमें ये भी कहा जा सकता है कि ये मतलब आचार्य ऐसा भी कह सकते हैं कि उपसर्ग विजेता बन करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके जो है मोक्ष के लिए अपना प्रस्थान करेंगे, इस अपेक्षा से भी पॉजिटिविटी मतलब हाँ मतलब जरूरी नहीं है कि देखिए पहली बात ये देखिए अगर अकंपनाचार्य ने उनको वहीं पे ध्यान मग्न होने के लिए कहा था तो ये भी जरूरी तो था नहीं कि उनके साथ ऐसा होगा, और उनका क्योंकि वे ध्यान मग्न थे मतलब उनको ध्यान मग्न होने के लिए कहा, हो सकता था कि उनको उनके आने से पहले केवल ज्ञान हो जाता और वे तो ध्यान मग्न ही थे, वे अपने आत्मा में इतने लीन थे कि देवों ने आके भी रक्षा कर दी। इसका मतलब उन्होंने तो आत्मा के ध्यान का ही उपदेश दिया और आत्मा के ध्यान का फल ये हुआ कि उनको देवों ने भी रक्षा कर दी। तो ऐसा इसका हम अर्थ ना लगाए कि उन्होंने एक मुनिराज को मतलब ऐसे करके बाकी की रक्षा का बात कही है। तो भैया इन जनरल शिष्य ले सकता है खुद से मतलब प्रायश्चित, अब ऐसा? ये थोड़ा सा एक बार हमें मतलब जो हाँ ये हमें मुनिराजों के जो स्वरूप को बताने वाले मूल ग्रंथ है प्रायश्चित आदि का स्वरूप है उसमें ही देखना पड़ेगा। तो बेसिक घटना से हमें थोड़ी ये शिक्षाएं जो मिलती है ये बात समझ आ गई होगी इसमें से क्या मिलती है, समझ आया क्या सभी को? भैया दूसरा क्वेश्चन अभी बाकी है, एक बार बताइए दूसरा क्वेश्चन। बता देता हूँ कि सम्यक दर्शन के 8 अंग में आता है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में ये था कि देखो ये दो बातें बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों विपरीत नहीं है। आत्मा का ध्यान करना ये अपने आत्मा का कल्याण करना ये प्रायोरिटी है, पर जो आत्मा का कल्याण करता है जो सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करता है उस जीव को अन्य समय में या उस जीव को आत्मा के ध्यान के साथ साथ अपने जिन धर्म की साधर्मियों की रक्षा का भाव भी आता ही है। वो रोकेगा तो रोकने से रुकता नहीं है, वो भाव उसको आएगा ही आएगा, पर यहाँ बात थोड़ी अलग लगेगी। श्रावक के लिए उसके कर्तव्य अलग है, मुनिराज के अलग है। अब जो श्रावक को भाव आ रहा है कि जिससे जिन धर्म की प्रभावना होगी, हो सकता है मुनिराज के लिए वो उनकी भूमिका के बाहर हो, ऐसा है क्योंकि दोनों की भूमिका दोनों का स्वरूप अलग है। तो भाव
आएगा जिन धर्म की रक्षा का। आप देखिए जितने भी मुनिराजों ने ये ग्रंथों की रचना करी, कहीं ना कहीं ये जैन धर्म के या साधर्मियों के उपकार की वात्सल्य को ही तो बताता है हमें। तो जब वे पहले तो वे आत्मा में लीन है, ध्यान करते हैं, और जब वे आत्मा से बाहर हैं तो उनको अपनी भूमिका के अनुसार ऐसा भाव आएगा और उसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आना ही चाहिए। पर मुख्यतः अपने आत्म कल्याण की रहेगी, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो मुनिराज हो। थैंक यू। ठीक है, तो ये रक्षाबंधन पर्व, इस तरह से हमने इसकी पूरी घटना देखी है। अगला चैप्टर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ अभी, थोड़ा हमें आज अगला चैप्टर लेना है। बहुत छोटा सा है, बहुत तो सिंपल है, जिस चैप्टर का मतलब एक प्रथमा नियोग की घटना जिसमें आने वाली है। बाकी रक्षाबंधन के प्रश्न जो आपके और होंगे ये बाद में लिए जाएंगे। एक बार आप सोचिएगा, अभी एक क्वेश्चन मेरा रह गया था वो अभी मैं नहीं ले रहा, कि अब हम इस रक्षाबंधन पर्व को कैसे मनाना चाहिए, ये मैं पूछूंगा आपसे। आप ये सोचिएगा कि अगर हम इस घटना को ध्यान में रख के बात करें तो कैसे मनाना चाहिए और हम कैसे मनाते हैं। ठीक है, आगे पाठ 7, जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी वाला पाठ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस जम्बू स्वामी वाले पाठ से पहले यहाँ पे पंडित राजमल जी पांडे, इनका परिचय आया है। पंडित राजमल जी पांडे, जैसे हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में कोई आचार्य का, कोई मुनिराज का, उमा स्वामी आचार्य का देखा था, ऐसे यहाँ पे राजमल जी पांडे ये पंडित हुए हैं, इनका परिचय यहाँ पे आने वाला है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन महान पंडित हुए हैं। थोड़ा सा तीन चार पॉइंट्स में हम इनका परिचय देखेंगे। ये पांडे राजमल जी, सबसे पहले इनका काल, पहला पॉइंट, इनका जो समय रहा है, काल रहा है, वो रहा है 17th century, मतलब 17वीं सदी में इनका काल माना जाता है, 17वीं सदी में। कुछ पॉइंट्स ही बताऊंगा, आप पॉइंट्स में ही इनका लिख सकते हैं। 17वीं सदी में इनका काल माना जाता है। ये पंडित बनारसी दास जी, जिनका हमने नाम सुना होगा, पंडित बनारसी दास जी के पूर्वकालीन हुए हैं, उनसे पहले ये हुए हैं। मतलब पंडित बनारसी दास जी का भी 17वीं शताब्दी के बाद या उसी के उत्तरार्ध का काल माना जा सकता है। तो इनका है मतलब 17th century का स्टार्टिंग में ही। तो कौन थे, एक तो काल हो गया, दूसरा कहाँ, इनका स्थान। ये ढूंढाहर प्रदेश के वैराट नगर में इनका जन्म हुआ है। ये इनका जन्म और निवास स्थान माना जाता है, ढूंढाहर प्रदेश का वैराट नगर। इनकी भाषा, तीसरा पॉइंट, इनकी भाषा इनकी ढूंढारी भाषा थी, इनकी मातृभाषा ढूंढारी भाषा थी। ये ढूंढारी भाषा कहीं ढूंढाहर प्रदेश की, जैसे पहले रीजनल लैंग्वेज जो चलती है उस ही में एक नाम है ढूंढारी भाषा, तो इनकी भाषा थी ढूंढारी। इनको संस्कृत प्राकृत का भी ज्ञान तो था ही। तीन पॉइंट हो गए, इनका काल, स्थान और भाषा। चौथा है इनकी रचना। ये एक वैसे देखो जनरल, हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बहुत बड़े कवि भी थे, टीकाकार थे और विद्वान थे, वक्ता थे, तो ये सब इनकी इनकी विशेषताएं थी ही। अभी चौथा पॉइंट, इनकी रचना, मतलब इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो बुक में भी यहाँ पे 5-6 नाम दिए गए हैं कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिसमें सबसे फेमस जो इनका है वो है पंचाध्यायी, समय सार, कलश टीका, जम्बू स्वामी चरित्र, फिर तत्वार सूत्र टीका लिखी है एक, और छंदो विद्या, और अध्यात्म कमल मार्दंड। कुछ हम 3-4 इसमें से याद रखें कि हमें पता रहे, एकदम ध्यान आए कि कौन थे पांडे राजमल। तो जो ये चैप्टर है ये उन्हीं के द्वारा लिखित जम्बू स्वामी चरित्र से लिया गया है। उन्होंने, पांडे राजमल जी ने, एक जम्बू स्वामी चरित्र लिखा था, उसमें से शॉर्ट में एक पेज में यहाँ पे जम्बू स्वामी का परिचय बनाया गया है। समझ आ गए इनका परिचय, बहुत संक्षेप में ही
चार पॉइंट्स में हम इनका परिचय देखा है। देखिए आगे चलते हैं। अब ये जम्बू स्वामी कौन थे? नाम सुना है आपने जम्बू स्वामी का कहीं? किस बात के लिए उन्हें जाना जाता है, किस बात के लिए मतलब फेमस है? हाँ जी बताइए। अंतिम मोक्ष जाने वाले कि इस युग के अंतिम केवली, इस युग के अंतिम केवली जम्बू स्वामी। दूसरा और जो इनके साथ जो जुड़ती है बात कि ये भगवान महावीर, गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, मतलब ये इन इस तरह से ये अनुबद्ध केवली हुए हैं। अनुबद्ध केवली कि ये जो जम्बू स्वामी थे इस युग के वे अंतिम केवली माने जाते हैं। कि जैसे भगवान महावीर को, जो हम दीपावली के दिन हम जब बात सुनते हैं कि भगवान महावीर को जिस दिन निर्वाण हुआ उस दिन गौतम गंधर्व को क्या हुआ था? केवल ज्ञान। और जब जिस दिन गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, और जब सुधर्माचार्य को निर्वाण की प्राप्ति हुई उस दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान, मतलब इन्हें कहते हैं अनुबद्ध केवली। ये अनुबद्ध केवली तीन हुए हैं, गौतम गंधर्व, फिर सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तो उसमें अंतिम हुए हैं जम्बू स्वामी। कोई बता सकता है कि इस युग के सबसे पहले केवली कौन थे? ऋषभदेव जी। सबसे पहले केवली भगवान महावीर? नहीं, इस युग के सबसे पहले भगवान महावीर तो अनंत वीर्य। तो ऋषभदेव थे या अनंत वीर थे? अब देखो ये तो देखो दो बातें हैं। चलिए, इस युग के अंतिम केवली में आपने किसी ने कहा ऋषभदेव, अब मैं पूछता हूँ इस युग के सबसे पहले मोक्ष जाने वाले कौन थे? सबसे पहले केवली तो कोई आपने कहा ऋषभदेव अनंत वीर, सबसे पहले मोक्ष जाने वाले कौन थे? कोई जानता हो? भैया बाहुबली भगवान। देखो अगर देखा जाए तो ये आपको देखो पता होना चाहिए कि सबसे पहले केवली तो इस युग के ऋषभदेव ही हुए हैं। सबसे पहले केवल ज्ञान तो ऋषभदेव को हुआ था, पर सबसे पहले मोक्ष जाने वाले हुए अनंत वीरे। वो अनंत वीरे कौन थे? वो अनंत वीरे ऋषभदेव के ही पुत्रों में थे और वो उनसे पहले मोक्ष चले गए। पर केवल ज्ञान किसको पहले हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था ऋषभदेव भगवान को, मतलब राजा ऋषभदेव। फिर उनको वे अरिहंत दशा में हो गए, पर मोक्ष उनसे पहले उन्हीं के पुत्र अनंत वीरे इस युग के सबसे पहले मोक्ष जाने वाले हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, पहले केवली और सबसे पहले मोक्ष जाने वाले में। तो इस युग के अंतिम केवली कौन हुए हैं? जम्बू स्वामी। कौन थे ये जम्बू स्वामी? तो इनका थोड़ा सा परिचय इस पाठ में दिया गया है, परिचय तो बहुत छोटा सा है। आप जो युग कह रहे हैं मतलब चौथे आर्य की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब युग मतलब एक चौथे काल के स्टार्टिंग से लेके या फिर एक बार के तीर्थंकर परंपरा से लेके लास्ट तीर्थंकर तक। ओके, ठीक। तो अगला युग कब कहा जाएगा? कि जब दोबारा से तीर्थंकर होने शुरू होंगे। ठीक। तो देखो परिचय बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये राजगृह नगर के राजा या राजगृह नगर के सेठ के यहाँ पे इनका जन्म हुआ जम्बू स्वामी का। राजा का नाम था अरहत दास। इनके पिता जो सेठ थे उनका नाम था अरहत दास और इनकी माता का नाम था जिनमती। माता का नाम क्या था? जिनमती। ये दो नाम सबको याद हो ही जाएंगे, अरहत दास और जिनमती, ये इनके माता पिता के नाम थे। जगह कहाँ थी? राजगृही, जो बिहार के पास, बिहार में ही, शायद बिहार में ही
वहां पड़ता है राजगृही, विपुलाचल पर्वत भी जहां हम सुनते हैं। तो ये राजगृही में इनका जन्म हुआ फागुन की पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। ये सारी बातें वैसे बुक में दी गई है पर मैं पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ अगर आपको लिखना हो। फागुन की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ। इनका जो काल है मतलब समय, वो राजा श्रेणी के आसपास, श्रेणी के ही राज्य में इनका माना गया है। ये जम्बू स्वामी बहुत सुंदर, ये जो जम्बू कुमार थे जब ये युवा हुए तो बहुत सुंदर, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत ज्ञानवान थे, गुणवान थे, ऐसे ये जम्बू कुमार थे। तो जब ये युवा हुए तो इनके पास अनेक विवाह के लिए अनेक सेठ राजा अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कराना चाह रहे थे, मतलब इनके लिए विवाह के बहुत सारे प्रसंग आने लगे। होते होते क्या हुआ कि परंतु ये जम्बू कुमार बचपन से ही ये वैराग्य रस वाले थे, इनको बचपन से ही विवाह आदि के उसमें घर गृहस्थी में नहीं फंसना था, तो ये वैराग्य की भावना भाते थे, ये संसार का त्याग करना चाहते थे, तो ये विवाह के लिए तैयार ही नहीं होते थे। पर बहुत इनके लिए प्रसंग आते थे, बहुत राजा अपनी कन्या इनके लिए दिखाने के लिए आते थे पर ये कभी भी हाँ नहीं कहते थे। फिर एक बार इसी तरह एक विवाह का इनके लिए प्रसंग आया, एक सेठ की या एक राजा की कन्याओं का इनके लिए विवाह का आया तो इन्होंने साफ मना कर दिया। पर इनके माता पिता ने इनको बहुत मनाया, ये माता पिता ने इनको बहुत मनाया, तो बहुत ही मनाने के बाद बहुत मुश्किल से इन्होंने विवाह के लिए हाँ बोला, पर एक कंडीशन पे बोला, विवाह के लिए हाँ बोल दिया पर एक कंडीशन क्या लगाई कि मैं विवाह होते ही अगले ही दिन मुनि दीक्षा धारण कर लूंगा, मतलब विवाह करने के अगले ही दिन, क्योंकि आप लोग इतना कह रहे हो, इतना मतलब वो किया, तो उन्होंने अपने बस माता पिता के लिए या उनकी बात के लिए विवाह किया पर एक कंडीशन रखी कि अगले ही दिन मैं मुनि दीक्षा ले लूंगा तभी मैं विवाह करने के लिए तैयार होऊंगा। उनके माता पिता ने कहा ठीक है कोई बात नहीं जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि वो मन में ये सोच रहे थे उनके माता पिता और सब लोग कि एक बार विवाह हो जाएगा तो ये दीक्षा लेंगे ही नहीं, एक बार विवाह होने के बाद इनका खुद ही मन बदल जाएगा और फिर ये मुनि दीक्षा के बारे में विचार भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए उनकी इस बात को स्वीकार करके उनके विवाह की तैयारी की गई। उनका विवाह चार कन्याओं से हुआ जिनके नाम, मतलब उनका विवाह किन से हुआ, चार कन्याओं से हुआ, चार एक राजा की चार बेटियों से, जिनका नाम था पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। ये चार नाम आए हैं कि इन चार कन्याओं से उन्होंने विवाह करने का स्वीकार किया और विवाह भी हो गया। किन किन से, चार नाम आपको ये ध्यान रखने, पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री। तो ये चार कन्याओं से उनका विवाह हुआ। पर क्या हुआ होगा, क्या हुआ कि सबको तो ये लग रहा था कि ये इतनी रूपवान कन्याएं हैं, मतलब बहुत सुंदर कन्याएं भी और वो भी, तो एक बार विवाह हो जाएगा तो फिर ये इनके मन को मोहित कर लेंगी, मतलब ये दीक्षा का विकल्प भूल जाएंगे, दीक्षा का विचार इनको आएगा ही नहीं, तो इसलिए एक बार विवाह कर दो देखा जाएगा। तो विवाह हो गया पर अगले ही दिन ये जम्बू स्वामी इनको वैराग्य आ गया। अगले ही दिन इन्होंने अपनी मुनि दीक्षा लेने का नियम, मतलब मुनि दीक्षा लेने का इन्होंने ठान ली। जगत के स्वरूप का विचार करके, क्षणभंगुरता, स्वार्थता, इन सब का विचार करके इन्होंने अगले ही दिन संसार से विरक्ति लेके मुनि दीक्षा ग्रहण करने का भाव बनाया। अब ऐसे में इनको बहुत मनाने का प्रयास किया, बहुत कोशिश की गई पर वे नहीं माने, और ऐसा उन्होंने वैराग्य लिया कि
इस वैराग्य का प्रभाव एक चोर पे भी पड़ा कि जब उनको लोग मना रहे थे, उनसे चर्चा कर रहे थे, तो उसी समय ये आई घटना कि जब वे अपनी पत्नियों से, अपनी स्त्रियों से चर्चा कर रहे थे, तो उनकी महल में एक चोर जिसका नाम था विद्युत चर नामक चोर वो चोरी करने पहुंचा था। चोरी गया तो था चोरी करने, पर जैसे ही उसने जम्बू कुमार की अपनी पत्नियों के साथ चर्चा सुनी, जब वो चर्चा चल रही थी, वो उन्हें मनाने के लिए मना रही हैं और ये नहीं मान रहे थे, ये अपने वैराग्य की बातें बता रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने, उस चोर ने इनकी चर्चा सुनी, हुआ क्या कि वो चोरी करना तो भूल ही गया, उसने भी दीक्षा ले ली। उस चोर ने भी इन विष्णु कुमार के साथ ही मुनि दीक्षा लेना स्वीकार कर लिया और उनके वैराग्य का प्रभाव उस चोर पर भी पड़ा और जम्बू स्वामी ने मुनि दीक्षा ले ली, चोर ने भी ले ली। फिर उन पत्नियों का क्या हुआ? उन चार पत्नियों ने भी, उन कन्याओं ने भी आरिका व्रत धारण कर लिया। उन्होंने भी जिन दीक्षा आरिका व्रत धारण कर लिया और वे भी आत्म के मार्ग। हेलो, आ रही है अब? हाँ भैया आ रही है। तो उन चार पत्नियों का क्या हुआ, मैं ये कह रहा था कि उन चार पत्नियों ने भी उस वैराग्य की लहर से, मतलब उस वैराग्य के कारण से ही उन चार पत्नियों ने भी आरिका दीक्षा ग्रहण कर ली। तो सारा ही वातावरण मतलब धर्ममय हो गया, वैराग्यमय हो गया और इस तरह से उनके माता पिता ने भी, जम्बू स्वामी के माता पिता ने भी, पिता ने दीक्षा और माता ने आरिका व्रत अंगीकार किया, तो सारा वातावरण एक व्यक्ति के कारण से क्या हो गया, वैराग्यमय बन गया। तो इन, फिर जम्बू स्वामी ने जब उन्हें वैराग्य हुआ तो ऐसे कर करके वे आत्म ध्यान में लीन हुए और उन जम्बू स्वामी को जिस दिन सुधर्माचार्य को, मतलब हमने, मैंने आपको अभी बताया था, वो भगवान महावीर का जो निर्वाण दिवस है वो गौतम स्वामी का केवल ज्ञान दिवस है, और ऐसे ही सुधर्माचार्य का जो निर्वाण दिवस है, जिस दिन उनको निर्वाण हुआ था, उस दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। तो उस दिन केवल ज्ञान की तिथि आती है माघ सुधी सप्तमी, तो उस दिन इनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उसके लगभग 18 वर्ष बाद तक इनकी दिव्य ध्वनि हुई, 18 वर्ष बाद तक इनकी दिव्य ध्वनि हुई और अंत में मथुरा 84 से इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी, मोक्ष की प्राप्ति करी। कहां से? मथुरा 84 से। ये अपना आगरा के पास ही ये स्थान पड़ता है, मथुरा 84 से इन्होंने मोक्ष पद की, निर्वाण की प्राप्ति की थी जम्बू स्वामी ने। तो तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर नहीं थे तो, क्योंकि समोषण नहीं लगा था। दिव्य ध्वनि मतलब गंध कुटी लगती है, जो तीर्थंकर नहीं होते, जो कोई अन्य केवली होते हैं, किसी किसी की उसमें गंध कुटी लगती है, वो समोषण जैसा नहीं होता, पर दिव्य ध्वनि उसमें भी खिड़ती है। तो इनके भी गंधर होते हैं? इनके गणधर नहीं, नहीं इनके गणधर नहीं होते, अन्य आचार्य आदि हो सकते हैं। तो झेलता कौन है दिव्य ध्वनि फिर, जैसे महावीर स्वामी भगवान के इसमें अन्य जो आचार्य, क्योंकि देखा जाए तो इनकी जो दिव्य ध्वनि है वो प्रॉपर तीर्थंकर वाला नहीं है, वो तीर्थंकर के लिए जो कहा उसमें ये कंपल्सरी कहा कि गणधर होने जरूरी है। इनकी गंध कुटी एक सामान्य सभा जैसी होती है, उस तरह से इनकी उपदेश खिड़ता है। ओके, ठीक। तो इनको मथुरा 84 से, जो मथुरा है आगरा के पास, वहां से इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय हमने यहाँ पे दिया है। कोई इनके जीवन में कोई बात किसी को पूछनी हो, फिर हम इस पे थोड़ा सा, लास्ट मोक्ष जाने वाले यही है ना? हाँ हाँ जी। तो एक और चीज पूछनी है, क्या उन कन्याओं को ये चीज बताई गई थी कि इन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि एक दिन बाद ये मोक्ष, मतलब वैराग्य ले लेंगे, दीक्षा ले लेंगे? हाँ जी, ये है, उनको भी पता था, पर सबको ये बात विश्वास था
कि एक बार विवाह होने के बाद ये मुनि दीक्षा का विचार छोड़ देंगे। हाँ कुंजन जी, दो तीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये था कि वो सम्यक दृष्टि थे क्या जब बचपन मतलब छोटे थे सबसे, या उनको कोई पूर्व ज्ञान हुआ था या ऐसा कुछ? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन, और एक दूसरा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था कि जिस दिन किसका निर्वाण होता है या उस दिन को इतना, उस दिन में ऐसा कोई वो काल ही ऐसा अच्छा या उचित माना जाता है कि दूसरों के लिए भी वो वैराग्यमय या फिर यू नो जस्ट केवल ज्ञान भी उसी दिन बहुत होता है, वो एक सवाल आता है जी। तो देखिए, सम्यक दर्शन की अगर हम पहले बात कर रहे हैं तो ऐसा तो स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, पर निश्चित रूप से उनको होगा ही होगा, क्योंकि इतना वैराग्य के भाव और इतनी तीव्रता एक ज्ञानी जीवों को ही आ सकती है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं होते तो हो सकता था कि विवाह के बाद उनका मन बदल जाता, वो वापस से उनको संसार का या फिर बाकी चीजों में रस आ जाता। पर वो सम्यक दृष्टि थे या हो सकते है, कब हुआ हो सम्यक दर्शन ये हमें और पुराण में देखना पड़ेगा, पर निश्चित रूप से वो सम्यक दृष्टि होंगे ही। और तभी उन्होंने पहले से ही कहा ना, जन्म से ही मतलब बचपन से ही उनको वैराग्य का रस था, तो इस बात से यही बताना चाह सकते हैं कि उनको पहले से ही ज्ञान था। दूसरी बात जो आपने कहा कि जिस दिन किसी को मोक्ष होता है तो उसी दिन केवल ज्ञान क्यों होता है, देखिए दिन तो वो बहुत सामान्य है, दिन में कोई ऐसा विशेष नहीं है, पर ऐसा संयोग बनता है, होता ऐसा है कि हमारे सामने किसी को मोक्ष हुआ या किसी ने इतना अनंत सुख की प्राप्ति करी तो उसे देखकर अनेकों जीवों के, असंख्यात जीवों के भी भाव बनते हैं। जैसे हमने कितनी घटना ऐसी सुनी भी है, जिस दिन किसी को मोक्ष होता है तो वो घटना ही इतनी पवित्र होती है, वो दिन वो घड़ी ही इतनी पवित्र होती है कि उस समय सबके भाव बन जाते। आप भी तो देखिए, जैसे हमारे सामने कभी आपने मुनि दीक्षा लेते हुए किसी को देखा हो या अन्य कोई धर्म के आयोजनों में देखा हो, तो जब कोई अन्य जीव इतना धर्म का कार्य करते तो हमारे भाव भी पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं कुछ एक हद तक। तो ऐसे ही जब मोक्ष हो रहा है हमारे सामने किसी को, तो साक्षात उन्हें देखकर अनेक जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है, अनेक मुनि दीक्षा ले लेते हैं, और जिन्होंने मुनि दीक्षा ले चुके थे उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए वो ऐसा संयोग बनता चला जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे महाकवि पंडित राजमल जी के बारे में और यू नो जम्बू स्वामी जी के बारे में, सब उनके बारे में उन्होंने जम्बू स्वामी के बारे में ये सब मतलब ये सब लिखा है और उससे ही हमें ये सब बातें पता चलती है, इसलिए उनको इतना अच्छा इतना माना जाता है, ये कारण है कि नहीं? देखिए, ये जम्बू स्वामी का जो है ये तो कहीं ना कहीं मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि मूल पुराणों में भी आया है, जो पूर्व में और पुराण हुए, जैसे हम देखेंगे उत्तर पुराण जो है उसमें ये निश्चित रूप से आया ही होगा। पर ये जम्बू स्वामी का परिचय मतलब उस उत्तर पुराण को हम पूरा नहीं देख सकते, क्योंकि उस उत्तर पुराण में तो 23 तीर्थंकरों की पूरी कहानी है, पूरा उनके आगे का उनके बाद का। पर पांडे राजमल जी ने उसके आधार से एक छोटा बनाया है जम्बू स्वामी चरित्र, और उसका भी छोटा करके आपके लिए ये जम्बू स्वामी का पाठ बनाया गया। तो इस तरह से ये शॉर्ट करने के लिए, सरल करने के लिए वो बात वहीं से चली आई है, मतलब आई तो वो मूल ग्रंथ से ही है, इसलिए हम उनको मान रहे हैं, मतलब उनके ग्रंथ को भी इस तरह से प्रामाणिक माना जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इस पाठ में से किसी को कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन? मैं कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे भी। हाँ बताइए पहले, जैसे लास्ट में अंतिम अनुबद्ध के लिए बताया, ऐसे और भी हैं जो जम्बू स्वामी के बाद हुए हैं जिनको अंतिम कुछ कहा जाता हो? उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है, श्रुत केवली जो हुए हैं वो ऐसे आए हैं नाम, उनको मैं एक बार देख के ग्रुप पे डाल दूंगा पूरी लिस्ट कि जो श्रुत केवली हुए हैं, श्रुत केवली मतलब जिनको द्वादश अंग का ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ पर द्वादश अंग का ज्ञान हुआ है, ऐसे श्रुत केवली
फिर उससे कम ज्ञानधारी, ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं, तो ऐसे नाम मैं डाल दूंगा। अंतिम श्रुति केवली गौतम स्वामी, ये जम्बू स्वामी हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस घटना पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। पूरी कहानी से हमें क्या एक मैसेज, क्या एक शिक्षा इससे मिलती है, कोई बता सकता है? पूरी कहानी में मतलब कि जम्बू, एक बात ये लोग कहते हैं, ये बात सुनते हैं कि जम्बू स्वामी ने अच्छा नहीं किया, मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उन्हें दीक्षा लेनी ही थी तो विवाह क्यों किया, तो और बिना मतलब में दीक्षा लेके और उन पत्नियों को, उनकी भी जिंदगी आपने ऐसी कर दी, मतलब ऐसा बोलती कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से सही किया कि नहीं, मतलब सही हुआ कि नहीं हुआ? भैया धन्य है जम्बू स्वामी जो है, उनका जीवन, उनका जो है वो एक रात जो जो जो, जो उन्होंने डिस्कशन में और अपने वैराग्य रस से उत्पन्न होकर के अपनी आत्मा की आराधना को ही प्रायोरिटी पे रखा, बहुत ही जो है धार्मिक, बहुत ही मतलब जीवन में उतारने लायक उनका जीवन वृतांत है जी। बहुत शुक्रिया। और कोई बताना चाहे क्या लग रहा है इस घटना को देख के? हाँ सैम आईपैड। मुझे लगता है कि हाँ एक एक बोलिए, आप बोलिए कोई भी पहले। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है कि 100% जम्बू स्वामी का बड़ा योगदान रहा कि इतने सारे जीवों को उन्होंने आत्मा कल्याण तो, करने का मार्ग बताया। तो बहुत ही अच्छी बात है। पत्नियों के साथ उन्होंने सही किया कि नहीं? सही किया, क्योंकि वही सच्ची सच्चा मार्ग है जो दिखाया उन्होंने। बिल्कुल, विनीता जी आप कह रहे थे कुछ। सर मैं, मुझे ये लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी पत्नियों को इतना समझाया, इतना टाइम चर्चा करके और वो समझ भी गई और वैराग्य भी उन्होंने ले लिया, तो यही बात अगर वो अपने पेरेंट्स को समझा देते तो वो शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है। मतलब पर आप सोचिए क्या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी, मतलब जरूर की होगी और कुछ वर्षों से कर भी रहे होंगे। मतलब उनकी बात मानने के लिए आप ये चीज उठा रहे थे, जब कर दो तुम्हारी इच्छा शादी, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मुझे थोड़ा कम ठीक लग रहा है। हाँ, और अभी कोई कुछ बोल रहा था। उन चार कन्याओं का आत्मकल्याण का समय पक गया था शायद, इसलिए ये होना था। हाँ, और कोई जो अपने इसमें मतलब ठीक किया कि नहीं किया? देखिए ये कुछ इसमें अगर हम पूरा गर्म इस दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने बिल्कुल काम ये जो किया है वो श्रेष्ठ ही है, वो हमारे लिए एक शिक्षा लेने लायक आदर्श ही है कि उनका जीवन, चाहे वो एक दिन का भी विवाह हो, क्योंकि आप देखो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है नहीं गलत किया, फिर हमें तो वो नेमीनाथ भगवान की भी घटना को क्या लगेगा कि उन्होंने तो और ही गलत किया, कि कम से कम इन्होंने कर लिया था, उन्होंने तो बीच में आई हुई बारात को ही मना कर दिया, मतलब चलते हुए। तो हम क्योंकि या जो कोई रागी जीव है, संसारी जीव है, वो देखते हैं तो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो उन्हें तो वो ही सही गलत लगते हैं, उन्हें तो ये लगता है कि मुनि दीक्षा लेना ही गलत हो गया, नहीं लेनी चाहिए थी, थोड़ी बाद में ले लेते, कम से कम थोड़ा तो उनको स्टेबल कर देते। पर ज्ञानियों की विचारधारा, ज्ञानियों का विचार चिंतन बिल्कुल अलग ही होता है। यद्यपि उन्होंने अपने माता पिता को मनाने की, समझाने की कोशिश की होगी, बहुत की होगी, पर जब ऐसी कंडीशन आ गई होगी कि वो नहीं मान रहे, या फिर ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उनका दिल रखने के लिए, उनको वो करने के लिए उन्होंने मान लिया, पर अपने एक माता पिता की आज्ञा रूप, या उस समय उनके भी वैसे ही भाव थे कि चलो एक बार करके, पर ये कंडीशन लगा के हम विवाह कर लेंगे, और उन्होंने उस तरह से विवाह भी किया। और विवाह करने के बाद एक दिन की जो उन्होंने बात कही थी उस पे वो पूरा दृढ़ रहे, और देखिए ना उसका फल क्या रहा, अच्छा ही रहा। पूरा ओवरऑल देखे तो सबका कल्याण हुआ,
एक जीव ने अपनी उस प्रतिज्ञा, उस दृढ़ता को निभाया, उस वैराग्य को बढ़ाया, तो उससे चार और दो उनके माता पिता और एक वो चोर जो चोरी करने आया था, उसने भी मुनि दीक्षा ले ली। तो देखा जाए तो जो भी कार्य हुआ वो बहुत ही धन्य था, वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक था। और दूसरी बात करें तो ज्ञानियों का जीवन बहुत सहज होता है, उसमें ये नहीं कि बहुत खींचतानी या बहुत, उनको एक विवाह का भाव आया था तो उन्होंने विवाह के लिए हाँ भी बोली, और फिर अगले ही दिन चाहे वैराग्य का आया हो तो उन्होंने वैराग्य लिया। ऐसा नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, क्या करें, अब किया है तो थोड़े दिन रह लेते हैं, नहीं, उनको सहज भाव आया कि मुनि दीक्षा लेनी है, और वैराग्य अंदर से दृढ़ था तो उन्होंने मुनि दीक्षा, फिर चाहे किसी की परवाह ना करके मुनि दीक्षा ग्रहण करी। तो ये शिक्षा हमें उनके जीवन से मिलती है। भैया एक प्रसंग मैंने कॉमिक्स में पढ़ा है इनके संबंध में, तो वो बताना, थोड़ा भाव आ रहा है आपका है तो बताइए बताइए। ऐसा था कि वो जो चोर था ना, वो एक राजा का पुत्र था, और सभी चोरों में कंपटीशन हो गया था कि सबसे ज्यादा माल इनके घर में मिलेगा। तो इनके साथ साथ जो है ना 500 या 700 चोर भी आए थे, और वो पूरा इनके साथ ही उन्होंने भी मुनि दीक्षा ले ली फिर, मतलब इनका वैराग्य प्रसंग सुनकर, ऐसी मैंने पढ़ी बात। हाँ मतलब पूरा, क्योंकि अगर आप पूरी घटना जानना चाहते हैं तो आपको जम्बू स्वामी चरित में मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं, चोर का भी कुछ पूर्व का कनेक्शन उसमें बताया जाएगा, मतलब बहुत सी बातें हैं। आप पूर्व जैन, आप यहाँ हैंड रेस किया है कुछ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि जितने भी लोगों ने इनसे प्रेरणा लेके उस समय जो दीक्षा ली है, तो ये एक तरह का मतलब बोल सकते हैं कि निमित्त था कि इनके थ्रू ही ऐसा उनका कल्याण होना है सोन पर्सन का, तो ये निमित्त था ऐसा बोल सकते हैं हम, डेस्टिन्ड था मतलब। हाँ बिल्कुल, ये कहा जाएगा ही, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा लिया है तो अगर मेन देखा जाए तो उन्होंने खुद के अपने वैराग्य से ली है, मतलब उनको स्वयं अपने भाव थे, पर वो भावों में निमित्त इनका बन गया, तो ये कहा, क्योंकि उनको भी इस समय आना था और इनको भी आना था, इनका वैराग्य उनके वैराग्य में, उनकी दीक्षा में निमित्त बनना था, तो ये कहा जाएगा कि एक के कारण से, एक के निमित्त से बहुत सारे जीवों ने आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त किया। कुंजन जी आपने भी हैंड रेस किया था, आप कुछ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जब जब वैराग्य का भाव आता है तो उसके बाद कोई भी चीज उसे रोकती नहीं है, और आत्मा का जो कल्याण करने का जिसने ठान लियो वो फिर जीवन में मीन्स बाकी सबों का, ऐसा नहीं है कि वो बाकी लोगों के बारे में सोचता नहीं है या फैमिली के बारे में, वो आत्म कल्याण के बारे में सोचता है और बाकी सब अपने आप ही होने देता है, वो यू नो उनका सम्यक दृष्टि जीव जब करते हैं वो फिर सब समय पे ही छोड़ देते हैं ताकि वो यू नो अपने मतलब, आप ही होते हैं। देखो बहुत सारे, ये तो एक घटना है, हम अगर तीर्थंकरों के भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमने पढ़े हैं कि जब उन्हें वैराग्य आते हैं तो सब लोग तो कोशिश यही करते हैं उन्हें रोकने की, मनाने की, समझाने की, पर अगर उनका वैराग्य दृढ़ है, उनका वैराग्य, और तीर्थंकरों का तो, तीर्थंकर तो महापुरुषार्थी ही कहे जाते हैं, तो उनका वैराग्य भी सामान्य जीवों जैसा नहीं होता कि थोड़ा सा मनाया और वो लालच में आ गए और उन्हें लोभ आ गया, रुक गए, और वो तीर्थंकर का वैराग्य दृढ़ होता है, वे अपनी उस बात पे दृढ़ रहते हैं, मतलब किसी का अपमान करके नहीं जाते कि अपमान कर दिया या किसी को ऐसे वैसा बोल के अपना चले गए, नहीं, उनका जीवन बहुत विवेक और बहुत सहज होता है, विवेक सहित होता है, तो ऐसा उनके जीवन से हमें हर घटना से शिक्षा लेने लायक है। ठीक है, और किसी को इसमें कुछ कहना हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। केवली और श्रुत केवली में कोई अंतर है? हाँ, श्रुत केवली मतलब जिनको केवल ज्ञान हुआ है, जो अरिहंत बन चुके हैं, केवली मतलब जिनको केवल ज्ञान हुआ है, जो अरिहंत बन चुके हैं, और श्रुत केवली मतलब जो है तो अभी छद्मस्त ही, अभी अरिहंत नहीं बने, पर जिनका ज्ञान कितना है, जिनका श्रुत ज्ञान कितना है, द्वादश अंग जितना जिनको श्रुत ज्ञान हो चुका है पूरा, वो श्रुत ज्ञान की हाईएस्ट लिमिट है श्रुत केवली, और केवल ज्ञान तो ज्ञान की ही हाईएस्ट लिमिट है। ठीक है,
तो पंचम आर्य में हम कहां तक जा सकते हैं? पंचम उसमें, क्योंकि इसमें देखिए श्रुत ज्ञान अभी बहुत अल्प हो गया है, मतलब अगर हम भगवान महावीर से देखें उस समय श्रुत केवली हुई, फिर उसके बाद मतलब उस समय 12 अंग के जानकार थे, फिर एक अंग मतलब 11 अंग, 10 अंग, 9 अंग, आज तो हमारा जो हमारे पास जो शास्त्र है या पूरे ज्ञान वाला भी कोई होगा तो वो एक अंग के भी कुछ अंश वाला ज्ञान बाकी है बस, जिन्हें हम पूर्वों का भी अंश कहते हैं। तो आज क्योंकि काल जितना जितना डाउन जाता जाएगा ज्ञान जीवों का उतना अल्प होता जाता है। तो इस आरे में कहां तक जा पाएंगे? ऐसा मतलब कोई लिमिट तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि अब इस पूरे में कोई भी श्रुत केवली नहीं होगा। अब उसके नीचे तो बहुत सारी रेंज हो सकती है। हाँ लेकिन ये जी हाँ जी लेकिन ये जी यहाँ से निकल के कहीं और से तो मोक्ष जा ही सकते हैं, जैसे विदेश या हाँ हाँ तो वहां पे फिर कोई कंडीशन नहीं है, वहां पे ज्ञान भी वृद्धि हो जाता है। हाँ हम यहाँ भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं राइट? हाँ जी। तो अभी पांचवा आरा चल रहा है और हम ऐसे गिनते हैं कि कोई श्रुत केवली नहीं हो सकता, लेकिन जब हम उत्तर स्पिनी से अवर स्पिनी से वापिस जाएंगे, हाँ। कुछ कहना चाहता है तो हम, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया आज के दोनों चैप्टर लगभग हमारे प्रथमा नियोग। हाँ आपने हैंड रेस किया हुआ है अर्पित जी के यहाँ से। हाँ मैं पूछ रहा था कि जितने मुनि मोक्ष जाते हैं उनकी सबकी गंध घुटी लगती है और सबकी वाणी फिरती है या नहीं? नहीं, किसी किसी विशेष किसी मतलब उनके साथ ऐसा नियोग होता है या उनके साथ ऐसा होता है किसी किसी की गंध घुटी फिरती है। हमने आपको ध्यान होगा अरहंत का जब बारे में पढ़ा था तो सभी अरहंत तीर्थंकर नहीं होते, मतलब कुछ कुछ अरिहंत ऐसे, हाँ कुछ कुछ अरिहंत है जो सामान्य अरिहंत है, सीधा आत्मा में ध्यान किया और केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चले गए। किसी किसी की दिव्य ध्वनि चिरती है और गंध कुटी के साथ भी ऐसा ही है, हर किसी की गंध कुटी भी नहीं लगती, गंध कुटी भी कुछ लगती है किसी की और किसी की नहीं लगती। ठीक, एक एक सवाल था, जो वर्ड बावनिया है, बावन अंगुल, उसका हम कैसे कैसे रिलेट करें, मींस लाइक लेंथ से रिलेट कर सकते हैं या हाँ, वो हाइट हाइट से ही कहा गया है, जो 52 मतलब अंगुल प्रमाण होता है उसको बावनिया कहा, पर उससे वो बन गया है आज हम जिसे बोना बोलते हैं, पर वो मूल अगर देखे तो 52 अंगुल प्रमाण होता है वो। और एक अंगुल को मतलब एक उंगली के हिसाब से गिनते हैं? हाँ हाँ, जो अंगुल अपने जैन धर्म में वो चलती है, जो है। मतलब ये संख्या नापने के लिए। एक लास्ट सवाल भैया जी, क्या सभी श्रुत केवली मुनिराज होते हैं, भावलिंगी मुनिराज ही होते हैं? बिल्कुल, श्रुत केवली सभी भावलिंगी मुनिराज ही हो सकते हैं। तो नियम से अगले कुछ ही भवों में वो मोक्ष जाएंगे? हाँ मतलब ये कंपल्सरी, कुछ भव कुछ भी उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, पर यह है कि मोक्ष जरूर जाएंगे। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने दोनों ही चैप्टर प्रथमा नियोग के देखे हैं, जिसमें एक तो रक्षाबंधन की कथा संबंधित था, उसमें रक्षाबंधन का क्या इतिहास था, किसकी रक्षा हुई और क्या घटना हुई, कौन कौन से मुनिराज थे ये देखा, और दूसरा जम्बू स्वामी वाला चैप्टर इसमें देखा, छोटा सा परिचय। बाकी विशेष देखने के लिए हम इसमें जम्बू स्वामी चरित्र को भी देख सकते हैं और रक्षाबंधन की कथा भी अनेक जगह हमें सुनने पढ़ने के लिए मिलती है। एक चीज जो मैंने आप लोगों पे अभी छोड़ी है कि हम रक्षाबंधन मनाएं कैसे, कैसे मनाना चाहिए, इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इस पे आप सोचिएगा, अगली क्लास में हो सका तो हम जरूर पूछेंगे।
तो ये अपनी वितरक विज्ञान भाग एक की मेन चैप्टर्स अपने सारे यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अब इसके बाद जो 12 भावना वाला चैप्टर है वो आपको स्वयं पढ़ना है, क्योंकि वो 12 भावना वाला जो चैप्टर है उसमें 12 भावना जो हमारी पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखी गई है, वो 12 भावना ली गई है, उनका छंद जो 12 छंद और उनके अर्थ सामने दिए गए हैं, तो आपको वो सेल्फ पढ़ने में है। हम अगली क्लास से वितरक विज्ञान भाग दो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो आपको ये असाइनमेंट दिए गए हैं, आपने लिस्ट देखी होगी सभी ने, उसमें जितने लोगों का वितर विज्ञान भाग एक का है, भाग एक के विषय आए हैं या फिर नमोकार महामंत्र के है या शाकाहार के हैं, वो उसे पढ़कर अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, बनाना शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे बाकी के चैप्टर होते जाएंगे वितर विज्ञान दो के तीन के, वो आप तभी कर सकते हैं। उसमें आपको गणधर मूल्यांकन में आपको समरी ही लिखनी है, एक पेज की होनी चाहिए और हैंड रिटन वो आपका चाहिए, लैंग्वेज का आपको बता दिया था, तो उसे गणधर मूल्यांकन को आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर बाद में एक साथ तीन चार चीजें आएगी वो हम तब नहीं कर पाएंगे। जिन जिन का आ गया है वो करते जाइए साथ साथ, और कैसे भेजना है, कब भेजना है, कहाँ भेजना है, ये आपको बता दिया जाएगा सर। थोड़ा सा कभी यदि आपके पास टाइम रहा तो एक्स्ट्रा क्लास करके थोड़ा 12 भावना हम कर सकते हैं। करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। फिर भी आप एक बार पढ़िए और एक्स्ट्रा क्लास में हम इसको भी जरूर लेंगे, ठीक है। और पढ़ने के लिए हम कौन सी बुक को यूज करें, किसके लिए? 12 भावना के लिए, मतलब हमें वितर विज्ञान भाग एक से ही, इससे ही पढ़ना है, जो अपनी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, इससे ही आप पढ़िए। कोई बात नहीं आएगी समझ या कोई चीज हो आप उसको मार्क कर लीजिए, हम उस पे जरूर करेंगे, वैसे एक सेशन हम इस पे भी ले सकते हैं, फिर भी आप एक बार खुद से भी पढ़ने का देखिएगा, ठीक है। और असाइनमेंट से रिलेटेड भी आपको कोई डाउट हो, क्योंकि वो सबको करने हैं, ऑप्शन नहीं है पहली बात तो, और सबको करने हैं, किसी को डाउट हो उससे रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं पर्सनली। भैया जी, रजिस्टर के पेज से करना है कि कॉपी के? ये तो कोई वो नहीं है ना? हाँ, ये नहीं है, आप कॉपी के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे पूरी करते हैं, एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।